गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन में। तो आज है आपका मैराथन थ्री, और मैंने आपसे कल भी कहा था कि कल फ्राइडे और सैटरडे की क्लास मिस मत करना। तो वो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो एक कंप्लीट पैकेज आएगा। ये अभी मैराथन चल रहा है, कल से आपके 2 दिन जो हैं ये महा मैराथन होंगे, जितने वो होगी आपकी 2 घंटे से ऊपर की क्लास। तो गेट रेडी फॉर दैट। और आज हम क्लास थोड़ा सा छोटा करेंगे, यानी आपका आज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और वैसे तो रेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी 3 दिन ही बचे हैं आपके, बट फिर भी रिलैक्सेशन की। आज का जो सेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चंस को डील किया गया है। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी देखिए, अपनी भी तैयारी रखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, दिस इज द मैराथन। पहला है हिमाचल सेशन, क्योंकि हिमाचल जीके की क्लास जो आपकी 7 से 8 हो रही है अभी, बिकॉज ऑफ मैराथन सेशंस मैं आपकी 7 से 8 की क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो उसी का कंपनसेशन मैं अभी इसी कंप्लीट पैकेज में निकाल ले रही हूँ। कल नेक्स्ट जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि अभी 3 3 घंटे या 2 2 घंटे की क्लास है, तो इसका कंटेंट तैयार करना भी टाइम लग रहा है। तो इससे अच्छा है कि जो 7 से 8 की क्लास है वो कंटिन्यू होगी आपकी हिमाचल जीके की, पर अभी हम इसी में देखते हैं। ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, सबसे सूखा प्लेस कौन सा है हिमाचल प्रदेश में। जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये पुराने पेपर्स और रीसेंट पेपर्स के हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, अपने क्वेश्चंस को देखिए, अपनी तैयारी कीजिए और देखते हैं क्या होता है। बट अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, सबसे सूखा प्लेस कौन सा है। पूह, पांगी, कल्पा या स्पीति। पू कहाँ है, पू जो है दैट इज द सब डिवीजन ऑफ किन्नौर, ठीक है, जहाँ पे आपका सेकंड स्कूल बना था। सेकंड स्कूल जो था वो कहाँ पे बना था, पू में बना था, दैट इज इन 1899। और पहला चीनी में बना था पांगी, ये चंबा में है, इसकी हेडक्वार्टर है किल्लाड़, यहाँ पे ADC होते हैं। और पांगी जो है यहाँ पे बैसाखी को आपका लिशु कहते हैं, और फूल यात्रा यहाँ पे होती है। कल्पा इज द रियास कैपिटल ऑफ चीनी। चीनी क्या है, एक तहसील जिससे किन्नौर कार्व्ड आउट हुआ था और रघुनाथ सिंह ने 1895 में बनाई थी। आंसर इज स्पीति। स्पीति जिसको रत्नों की भूमि कहा जाता है, इस दर ह्यूनसांग भी आए थे। तो सबसे सूखा प्लेस स्पीति है बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट। रेन शेडो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो आंसर इज आपका स्पीति। और सबसे ज़्यादा गीला या सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, धर्मशाला में। कहाँ होती है, धर्मशाला, ठीक है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से कितनी विधानसभा सीट्स होती हैं। देखिए किन्नौर जो है, अगर अभी हमने मंडी के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें किन्नौर भी था, तो टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इज 1। किन्नौर और लाहौल स्पीति से एक ही है। वैसे टोटल कितनी होती हैं, 68, जिसमें से 4 आपकी लोकसभा की हैं और 3 आपकी राज्यसभा की। कई बार आपसे टोटल भी पूछा जा सकता है। नग्गर डेवलपमेंट ब्लॉक इज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नग्गर डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो कहाँ पे है, सिरमौर में, नहीं सिरमौर सानगढ़ है, बिलासपुर, घुमारवी, कोई भी जगह याद कर लीजिए, हमीरपुर, भोरंज, आंसर इज कुल्लू। और नगर को बनाने वाले कौन थे, विशुद्ध पाल। और यहाँ पे आपने देखा है कि कौन सा कैसल है, नगर कैसल, जो कि किसका है, निकोलस रोरिक का, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाऋषि, ठीक है। निकोलस रोरिक गैलरी जो है, नगर कैसल भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है, आपकी नगर में है। और नगर को बनाने वाले कौन थे, विशुद्ध पाल। पौड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पौड़ी फेयर जो है आपका वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन, शिमला, आपका चंबा या लाहौल स्पीति। देखिए सोलन में आपका शूलिनी, ठीक है, जटोली है, वायस परमार यूनिवर्सिटी है, देन इसके बाद चंबा घाट इज फेमस फॉर मशरूम सिटी,
देन इसके बाद आपका स्प्रून वैली है, दून वैली जो है वो कुनिहार में है, और कुनिहार को बनाने वाले कौन थे, अबोज दियो, अबोज दियो, हार्डकोटी कैपिटल थी उसकी ना कुनिहार की, और हारदेव वॉज द लास्ट रूलर। शिमला, शिमला में आपका शिमला विंटर कार्निवल, अभी 25 के बाद फिर फेस्टिवल लगेगा। शिमला में कौन कौन सा है, हाटू पीक, याद रखना कई बार पूछा जाता है हाटू पीक कहाँ है, तो हाटू पीक इज इन शिमला, जाखू पीक इज द लार्जेस्ट पीक, ठीक है। शिमला में अगर और क्वेश्चंस, हमने शिमला से बहुत क्वेश्चंस किए हैं, चाबा प्रोजेक्ट भी पूछा गया, तो वो 1913 में बना था। पीटर हॉफ में आग कब लगी थी, 1981 में लगी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस कब बना था, 1965 में उसका नाम दिया गया था, उससे पहले वो राष्ट्रपति निवास था। 1974 में स्टेट म्यूजियम बना था जिसका नाम था इनर विराम। देन उसके बाद आपका कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने 1903 में आपकी क्या चलाई थी, रेलवे, जिसको मेन बनाया किसने था, आपका हैरिंगटन ने। सुसाइड किसने किया था, कैप्टन बरोग ने। बालखू कौन थे, वो किससे रिलेटेड है, यही कालका शिमला रेलवे लाइन से, क्योंकि उन्होंने सुपर स्टिक, अपनी स्टिक से टनल की खोज की थी, जिसके बेसिस पे उनका म्यूजियम कहाँ है, शिमला में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। चौड़ा मैदान कहाँ है, शिमला में है। पहला FM कहाँ शुरू हुआ था, दैट इज़ इन शिमला, ठीक है। नेक्स्ट आता है चंबा, चंबा में आपका मिंजर फेयर, ठीक है, मिंजर फेयर होता है, सीकड़ी फेयर होता है। मिंजर फेयर जुलाई में लगता है, एंड ऑफ द जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। मिंजर फेयर शुरू किसने किया था, साहिल वर्मन ने शुरू किया था, और दूसरा अगर आप बात करो तो सीकड़ी फेयर जो है ये भी साहिल वर्मन के द्वारा ही शुरू किया गया, अपनी रानी की याद में, दैट इज़ योर रानी सुनैना, सूही फेयर जिसको बोलते हैं, जो चैत्र के महीने में लगता है, और अगर उसमें सीकड़ी डांस होता है, पर्टिकुलरली फीमेल्स और बच्चों को अलाउड है, बट अब जो है वो सारे ही जाते हैं। देन उसके बाद आपका मनी महेश फेयर, ये भी आपके चंबा में लगता है, ये कब लगता है, आपकी जन्माष्टमी और राधा अष्टमी को ये ख़त्म होता है, तो ये पर्टिकुलर फेयर्स हैं जो चंबा में लगते हैं। और भी फेयर्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे ढोलरू आते हैं, देन बसुआ आता है, ये सारे फेयर्स जो हैं आपके कहाँ पे हैं, चंबा में, ठीक है। आंसर इज लाहौल स्पीति। पौड़ी फेयर जो है ये लाहौल स्पीति में लगता है, लाहौल स्पीति की उदयपुर जगह, उदयपुर जो है उसकी कैपिटल क्या है, मृकुला, और मृकुला देवी का टेंपल बनाया था प्रताप वर्मन ने, ठीक है। पौड़ी फेयर जो है ये लाहौल स्पीति में लगता है, अवलोकितेश्वर टेंपल, इसको हम त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ टेंपल जो है इसको हम अवलोकितेश्वर टेंपल भी बोलते हैं, ये लाहौल स्पीति में है, जिसमें एकमात्र हिंदू और एकमात्र बुद्ध दोनों पूजा करते हैं, और जिसमें शिव के ऊपर बुद्धिस्ट का स्टैचू बना है। और एक चीज़ की इस पौड़ी फेस्टिवल में क्या होता है कि अच्छे से घोड़े को सजाया जाता है, और पूरे शहर में जो है पूरे एरिया में वो चक्कर लगाता है, ठीक है, तो पौड़ी फेयर। चौंतड़ा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चौंतड़ा वैली कहाँ पे है, ऊना, मंडी, कांगड़ा या कुल्लू, तो देखिए ऊना में है जसवा वैली, पूरब चंद ने बनाई, मंडी में है बाला वैली, मोस्ट फर्टाइल वैली, ठीक है, मंडी में ही आपकी चौंतड़ा वैली है, ठीक है। कांगड़ा में है आपकी कांगड़ा वैली, वैली ऑफ गॉड्स, कुल्लू वैली ऑफ वीर भूमि इज कांगड़ा, वैली ऑफ गॉड्स इज कुल्लू, तो मनाली बोल लीजिए, सोलांग बोल लीजिए, ठीक है। और कुल्लू को बनाने वाले थे भीमिंग पाल, कांगड़ा त्रिगर्त, आपका मंडी जिसने अजवर सैन ने बनाया, आज का मंडी, वैसे किसने बनाया था, दो रियासतें थी सुकेत और मंडी, जो सुकेत थी वो बीर सैन ने बनाई, बाहू सैन ने मंडी बनाया, ठीक है, ऊना पूरब चंद ने बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको फेड लगेगा, देखिए आप कहते हैं कि स्क्रीन में मैम जूम करिए, ये करिए, यहाँ पे स्क्रीन ठीक दिखती है, अगर कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको रिकवर करने की कोशिश जरूर करूँगी, ठीक है। चंबा डोमिनियन, ये स्लाइड्स ऐसी होती हैं, स्लाइड्स इन द सेंस कि आपका फेडेड, क्यों जो हमारे पास पेपर्स आते हैं जो क्लिकिंग होती है ना उनकी, उसकी वजह से ये शेडेड हो जाते हैं, पर कोशिश पूरी करते हैं कि वो शेड ना आए, पर अगर आती है तो माफ़ी चाहूँगी। बट अब जो पेपर्स आप मुझे भेजें, मेरी उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि JOA के पेपर का अच्छा सा PDF भेजना, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए,
और अपनी तरफ से भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। चंबा डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय चंबा डोमिनियन, जो चंबा रियासत है वो किसने फाउंड की थी? साहिल वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, मीरू वर्मन। देखिए, अगर चंबा डोमिनियन चंबा पूछा है तो चंबा किया था साहिल वर्मन ने 920 में, ठीक है। और ये जो था साहिल वर्मन, इसके जो योगी गुरु थे वो थे चरपटनाथ, जिसने कितने चरपटनाथ जिसने इनको कहा था कि ब्रह्मपुर से जो कैपिटल है वो चंबा की जाए। अपनी बेटी की याद में इन्होंने चंपावती रखा। साहिल वर्मन ने चकली प्रथा शुरू की थी। लक्ष्मी नारायण इन्होंने बनाया आपका, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ सिक्स टेम्पल्स। देन उसके बाद इन्होंने क्या प्रथा मिंजर फेयर इन्होंने शुरू की। अब मेरू वर्मन की बात करते हैं, ब्रह्मपुर मेरू वर्मन ने ही बनाया। अगर सपोज करो वहाँ पे ब्रह्मपुर क्वेश्चन आया कि ब्रह्मपुर वॉज फाउंडेड बाय, मारू वर्मन नहीं दिया है और मेरू वर्मन दिया है, देन कोई और राजा दिए हैं, तो आंसर इज मेरू वर्मन। इफ द क्वेश्चन इज ब्रह्मपुर वॉज फाउंडेड बाय, मारू वर्मन भी दिया है, मेरू वर्मन भी दिया है, तो आंसर इज मारू वर्मन। अगर मान लो मारू वर्मन और वेरू वर्मन में बोथ ए एंड बी दिया है, तो आपने दोनों, क्योंकि हो सकता है कि मारू वर्मन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द पाप, तो आपने बोथ ए बी भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरू एक्चुअली में मारू वर्मन ने बनाया। जैसे नाम दे दिए जाए मारू वर्मन एंड मेरू वर्मन, साहिल वर्मन एंड गोपाल वर्मन, इस तरह से अगर दे दिया जाए तो मीरू वर्मन और मारू वर्मन वाली ऑप्शन जो होगी वो सही, कंफ्यूज मत होना। पर चंबा ब्रह्मपुर को बनाने वाले थे मारू वर्मन, जिसने जो अयोध्या से आए थे, लेकिन और जो मीरू वर्मन थे उन्होंने ब्रह्मपुर से लेकर चंबा तक एक्सटेंशंस किए, एक्सपेंशंस किए, डेवलपमेंट्स किए हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स है, ज़्यादातर लोग जो है मारू वर्मन को कम मीरू वर्मन को जानते हैं, तो वहाँ पर अगर ऑप्शन मीरू वर्मन और मारू वर्मन नहीं दी गई है तो आप फिर मेरू वर्मन में लगाना। अब चंबा जो है आपका मेरू वर्मन है, तो मेरू वर्मन में क्या है, 84 टेम्पल बनाया, नरसिंह टेम्पल बनाया है आपका, इनका जो आर्टिस्ट था गुग्गा है, लक्ष्मा देवी टेम्पल बनाया, चतुराड़ी टेम्पल बनाया, ये सारे किसने बनाए, मेरू वर्मन ने, ठीक है। तो ये नहीं है लक्ष्मण वर्मन, लक्ष्मण वर्मन ने हरि राय का टेम्पल बनाया, हरि राय टेम्पल बनाया जो कि चंबा में है, ठीक है, गांधी गेट के पास। विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर्ड, ये वैसे हरि राय भी, हरि राय मंदिर जो है इसको बेसिकली जैसे पोस्ट ऑफिस है जहाँ चंबा का, उसके साथ ही है। विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1337 में किसने, दिल्ली का कौन सा राजा था जिसने कांगड़ा को कैप्चर किया था? अलाउद्दीन खिलजी? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी में ये याद रखना, इसने एक नई कैपिटल बनाई थी सीरी, लेकिन इधर नहीं किया था। फिरोज शाह तुगलक ने तो 1365 में किया था, तो ये तो आंसर गलत है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तो उस टाइम पे थे नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी भी नहीं थे 1337, तो ये तो थे लोधी डायनेस्टी के अंतिम रूलर। आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने कांगड़ा पे कैप्चर किया था, एंड दैट टाइम वॉज द राजा इज मेघचंद, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। विच गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827 में पहला गवर्नर जनरल कौन था जो शिमला आया था? शिमला श्यामला, स्कॉटिश ब्रदर्स ने इसको अपनी डायरी पे मेंशन किया है। पहला लेफ्टिनेंट रॉस ने कच्चा हाउस बनाया 1817 में, फिर उसके बाद 1822 में कैनेडी ने पक्का हाउस बनाया। और पहले जो गवर्नर जनरल आए थे वो थे लॉर्ड एमरिस्ट, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये नहीं थे जिन्होंने सती प्रथा ख़त्म की थी, ठीक है, सती प्रथा ख़त्म की थी, और कहते हैं कि इन्फेंटिसाइड सती प्रथा इन्होंने अबॉलिश की, और ये इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश को असली स्टैम्प इन्होंने लगाई थी एज पर मैकॉले मिनट्स, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भी आए थे शिमला फॉर अ टाइम बिंग, ये भी शिमला आए थे, ठीक है, और ये कौन थे? फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, तो आंसर इज लॉर्ड एमरेस्ट। एचपी बिकम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आप सारे मॉक टेस्ट देखोगे तो उसमें से कई क्वेश्चंस आपको निकल आएंगे। हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था, ठीक है।
1956 में, तो 1956 में पार्ट सी जो था वो खत्म हुआ था और ये क्या बनी थी, यूटी। और बजरंग बहादुर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन द हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी 1948 में 30 रियासतें बनाकर हिमाचल प्रदेश बना था और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश की एग्जिस्टेंस हुई थी। ठीक है, 1950, देखिए 1950 या 51, 1950 में आपका गणतंत्र दिवस, 1951 में पार्ट सी स्टेट बना था। 1951 तक वो क्या था, आयुक्त, और एनसी मेहता वाज द फर्स्ट आयुक्त। ठीक है, और 1951 में ये आयुक्त पार्ट सी बना था, कमिश्नर प्रोविंस खत्म हुआ था और पार्ट सी। और 1952 में आपके मेजर हिम्मत सिंह वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था वो 51 में ख़त्म हो गया था और उसकी जगह क्या चेंज हो गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बनेर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, HPSSEB, भारत BBMB, NHPC या NTPC। देखिए NTPC कोल डैम के लिए है जो कि बरमाना में बनी है, NHPC आपका जो है पार्वती प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है या आपका भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट या आपकी महाराणा प्रताप सागर में भी आती है या आपकी सतलुज वाला जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है उसमें भी आता है। तो आंसर इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कब बना है, 1971। बनेर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की। CSIR कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। CSIR कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पे है, आपका कसौली, कसौली में है क्राय, कुफरी में है मस्क डियर, यहाँ पे होते हैं जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे है यहाँ पे क्या है CPRI, दैट इज अ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। मनाली में है अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो आंसर इज पालमपुर। चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 1978 में। ठीक है, ये याद रखना। और CSIR कॉम्प्लेक्स भी आपका पालमपुर में, पालमपुर में टी भी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे बागेश्वरी है, आशा है, ये सारी जो हैं आपकी टी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट इज, हु वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडियन कैबिनेट। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडियन कैबिनेट क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी, अमृत कौर या नन ऑफ दिस। देखिए विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये फर्स्ट फीमेल थी जो UN ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने आप को जिसने रिप्रेजेंट किया था, मेल में आपके दादा भाई नरोजी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको बारदोली से रिलेटेड किया जाता है 1929 में, तो ये नहीं है, आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहली हेल्थ मिनिस्टर है, हिमाचल से है, और ये इनकी जो विला था उसको क्या बोलते हैं हम, मिनोर विले, क्या बोलते हैं, मिनोर विले। ठीक है, जहाँ पे जब आपके महात्मा गांधी आए थे तो वो मिनोर विले में भी रहे थे। आइस स्केटिंग क्लब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक नेचुरल आइस स्केटिंग पार्क है जो नेचुरल खुद बनता है, ठीक है, खुद उधर बर्फ जमती है, तो कौन सा है, किन्नौर। किन्नौर में जो है प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, नाको लेक, जो कि कहाँ पे है, आपकी हैंगरेंग वैली। ठीक है, तो ये नहीं है, क्लब पूछा है। कांगड़ा, कांगड़ा में आपके क्या है, ब्रजेश्वरी टेम्पल और मसरूर रॉक का टेम्पल, याद कर लीजिए एलोरा ऑफ हिमाचल, ब्रजेश्वरी मंदिर है, देन वैजनाथ टेम्पल है। ठीक है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो कि देहरा में है। कुल्लू, कुल्लू में आपका नगर कैसल है, ठीक है, विश्वेश्वर टेम्पल है, बिजली महादेव टेम्पल है, सारा आपका कुल्लू में पड़ता है। भुट्टिको वीवर्स, भुट्टिको, भुट्टिको शोल्स जो हैं ये कुल्लू से मिलते हैं और ये 1944 में बनी थी भुट्टिको कंपनी, जो बेसिकली कहाँ पे है, शमशी में है, और वेदराम ठाकुर रिलेटेड टू दैट, तो आंसर इज शिमला। किसने बनाया था, ब्लेसिंगटन पार्क बोलते हैं, ब्लेसिंगटन क्लब, जो कि 1920 में बना था, 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट IGMC। देखिए
IGMC का नाम 1985 में रखा गया, पर ये पहले कब बन गया था, 1966 में, ठीक है। तो उसके बाद जब ये आपका स्नोडन हॉस्पिटल बना, तो ये स्नोडन हॉस्पिटल जो था ये पहले ही बन चुका है, ठीक है। तो स्नोडन हॉस्पिटल जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वो कहाँ पे है, वो है आपका शिमला, कांगड़ा में नहीं। कांगड़ा में अगर आपने टांडा याद करना है तो राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में नहीं, ठीक है, मंडी में नहीं, ठीक है। मंडी में नेरचौक पे है लाल बहादुर, और यहाँ पे जो है हमीरपुर नहीं। आंसर इज आपका YS परमार यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, हमीरपुर में, पर IGMC पूछा है तो शिमला। YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश की गई थी YS परमार यूनिवर्सिटी, 1917, 1976, 78 या 85। देखिए 1970 में आपकी HPU बनी, आर के सिंह वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर, आज कौन है, सिकंदर कुमार। 1976 नहीं, 1978 में आपकी सर्वन यूनिवर्सिटी जिसमें HR कालिया वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर, आंसर इज 1985, जिसमें MR ठाकुर वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर, और अब कौन है, परविंदर कौशन, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी या शिमला, पॉपुलस पूछिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, कौन सी पॉपुलेशन है ये नहीं पता। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अगर देखा जाए अर्बन पॉपुलेशन, तो वो है शिमला में, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है, कांगड़ा, वैसे देखा जाए अर्बन यही है, रूरल में अगर देखी जाए तो कांगड़ा है, ठीक है, मंडी नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा शिमला में है, और वैसे पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो कांगड़ा में भी है, क्योंकि कांगड़ा जो है वो रूरल में आता है, तो कांगड़ा में भी है, पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम इधर शिमला को टिक लगाते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा वो शिमला में है, अगर यहाँ पे रूरल होता तो कांगड़ा। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हमीरपुर। इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, अब पूछा है कांगड़ा किला किसने बनाया था, सुशर्मा चंद, तो 1256 नहीं, 1327 नहीं, 40 भी नहीं, आंसर इज 1337। इन एशियन नेम द कैपिटल ऑफ रामपुर बुशहर वॉज, रामपुर बुशहर की पुरानी कैपिटल कौन सी थी, लेह नहीं, लहासा नहीं, मिनी लहासा किसको बोलते हैं, धर्मशाला को बोलते हैं, कामरू या रिब्बा, रिब्बा इज द वैली ऑफ ग्रेप्स जो कि किन्नौर में है, आंसर इज कामरू, प्रद्युमन ने बनाई थी, और कामरू से सरहान की थी छतर सिंह ने, राजा केहरी सिंह वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर जिसको अजाना बहु और छत्रपति भी कहते हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे रामपुर किसने बनाया था, राम सिंह ने बनाया था, ठीक है। तो लास्ट एक ऐसी रियासत जिसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया 1857 में, शमशेर सिंह वॉज दैट रूलर जिसने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया था, पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दैट रियासत यानी आपका, और रामपुर में ही सबसे पुराना फेयर लगता है लवी फेयर जो कि ओल्डेस्ट फेयर है, कितने साल पुराना है, 400 साल, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल इन 1937, पहला प्रेजिडेंट सिरमौर प्रजामंडल का कौन बना था, YS परमार नहीं, हरिचंद नहीं, सिरमौर प्रजामंडल जब बना था, देखिए उस टाइम पे YS परमार ने जो है, जब राजेंद्र प्रकाश ने देविंदर सिंह को जेल में डाल दिया था बिकॉज ऑफ उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि उन्होंने महाराज ऑफ पटियाला को मारा है, तो उसके बेसिस पे YS परमार ने, क्योंकि ये सिरमौर के सेशन जज थे, तो इन्होंने जब केस लड़ा और झूठा करार कर दिया कि ये फेक केस है, तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रकाश जो थे YS परमार से नाराज हो गए थे और उनको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया था। तो देविंदर सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजा मंडल। ग्रामर स्कूल इन शिमला वॉज लोकेटेड एट संजौली, संजौली में नहीं है, संजौली में आप IGMC भी कर सकते हो, ठीक है। बालूगंज में आपकी समर जो बालूगंज है वहाँ पे आपकी HPU यूनिवर्सिटी है, और बालूगंज में ही आपका हिमाचल प्रदेश का जो वो है पोटैटो रिसर्च जो कि कसौली में, जो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट भी आपका बालूगंज में है। नालदेहरा में 9 गोल्फ कोर्स है जो कि लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, आंसर इज
केथू. आंसर इज केथू. द फेयर ऑफ बूढ़ी दिवाली इज सेलिब्रेटेड एट. बूढ़ी दिवाली जो है वो परशुराम से रिलेटेड है, ठीक है. और परशुराम किससे रिलेटेड थे? आपके निर्मंड से. निर्मंड कहाँ है? कुल्लू में. तो बूढ़ी दिवाली कहाँ में मनाया जाता है? निर्मंड में. निर्मंड में ही आपका बुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है. तो ये थे आपके हिमाचल के क्वेश्चंस. तो होप्स हो कि आपको हिमाचल का सेशन अच्छा लगा है. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना. लेकिन अगर भी किसी को भी क्लियर नहीं है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख देना. और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. तो यहाँ तक ठीक है. अब आते हैं. अच्छा बताइए, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं? कितने क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के सही हैं, जल्दी बताइए. कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं और कितने सही गए हैं, जल्दी बताइए. चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आपका कंप्यूटर सेशन, ठीक है. कंप्यूटर सेशन में पहला क्वेश्चन है, एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज. जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, एनी प्रोग्राम जो आपका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है वो क्या होता है? एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड, ऑफिशियल प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम या एनालॉग प्रोग्राम. देखिए एनालॉग्स क्या होते हैं? एनालॉग्स होते हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स. जो आपके क्या होते हैं? कंटिन्यूस सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके एनालॉग्स, ठीक है. तो ये नहीं है, पर्सनल नहीं है, ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है. आंसर इज ऑब्जेक्ट कोड. जो आपका कोई भी प्रोग्राम जब हम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन. और मशीन लैंग्वेज किस में होती है? बिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स में. और ये बाइनरी डिजिट्स कौन सी होती हैं? ज़ीरो और वन. इसकी कोडिंग करता है, ठीक है. और ज़ीरो और वन को जब वो डीकोड करता है, ठीक है, चेंज करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डीकोडिंग. अब ये जो है कोई भी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम देंगे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोर्स. वो क्या है? हमारा सोर्स. सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना इज़ कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज, ठीक है. और मशीन लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज. तो कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा वो किस में करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में. द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज. जो अब यही से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि कौन, जो आपका ओरिजिनल प्रोग्राम है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? यूथ प्रोग्राम, फॉर्म प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम या लूप प्रोग्राम. यूथ प्रोग्राम तो नहीं है, फॉर्म प्रोग्राम भी नहीं है, दैट इज फिक्स्ड. आपका लूप प्रोग्राम भी नहीं है. आंसर इज सोर्स प्रोग्राम. जो भी ओरिजिनल, देखिए जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहे हैं देन इट गोज टू ऑब्जेक्ट कोड. और जब हम प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, जो हम ओरिजिनल वर्शन है, ओरिजिनल कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, तो जो भी ट्रांसलेट किया जा रहा है पहले तो उसका सोर्स बताएंगे तभी जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा. तो जिस चीज़ को ट्रांसलेट करना है दैट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो क्या होगा? आपका सोर्स. याद रखना, जो भी हम देंगे दैट इज सोर्स, और जो कंप्यूटर कन्वर्ट करके देगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट, पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम. पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो है वो किससे रिलेटेड है? देखिए सबसे पहले पेज मेकर जो आया था वो एप्पल के मैकिंटोश ने किया था, मैकिंटोश ने, ठीक है. उसके बाद ये जो है आपका किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? फिर उसके बाद ये विंडोज़ में आया था. तो जो आपका पेज मेकर है वो एप्पल के मैकिंटोश द्वारा और विंडोज़ द्वारा इंस्टॉल किया गया है. तो आंसर इज आपका विंडोज़. मान लो यहाँ पे मैकिंटोश होता और विंडोज़ नहीं होता, तो वो भी आपका, क्योंकि सबसे पहले पेज मेकर जो है उसी में डेवलप किया गया था, मैकिंटोश. तो यूनिक्स नहीं है, दिस इज़ द मल्टी टास्किंग मल्टी यूज़र एटी एंड बेल लैब्स द्वारा, ठीक है. एमएस डॉस जो है 1975 में. और ये किस पे डिपेंड करता है? कमांड लाइन. ये किस पे डिपेंड करता है? आपका ग्राफिक लाइन, ग्राफिक्स पे, आइकन्स पे. तो आपका जो पेज मेकर है ये किस पे डिपेंड करेगा? एमएस जो है आपका विंडोज़ पे, ठीक है. इसका मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी, मैकिंटोश विंडोज़ जो कि पहला इंट्रोड्यूस किसने किया था, कब किया था? 1985 में एप्पल द्वारा
1985 में मैकिंटोश इंक कंपनी ने किया था, उसके बाद ये विंडोज़ में आया है, ठीक है, विंडोज़ में, ये विंडोज सिस्टम में ये 2004 में आया इन द फॉर्म ऑफ अडॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर, असेंबलर, लॉडर या इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है जो ट्रांसलेट तो करता है लैंग्वेज को, ठीक है, मिड लेवल लैंग्वेज को, लेकिन एक अक्षर को एट अ टाइम एक ही करेगा, इंटरप्रेट करके ट्रांसलेट करेगा एक अक्षर या एक लाइन को एट अ वन टाइम, ठीक है। लोडर नहीं, असेंबलर जो मिड लेवल से लो लेवल को करता है, आंसर इज कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? कंपाइलर वो होते हैं जो पूरा प्रोग्राम को एक ही बारी में कॉपी करके ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होते हैं, जो एक ही चीज़ को, मतलब एक चीज़ को ट्रांसलेट करेगा एक टाइम पे, फिर दूसरी चीज़ को मतलब ये टाइम कवरिंग है, ठीक है। जबकि कंपाइलर जो होते हैं वो फटाफट अपनी पोजिशंस को या अपनी चीज़ों को चेंज कर देते, तो आंसर इज कंपाइलर। एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू, ऑपरेटिंग डिवाइस विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, ठीक है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक कोई बोर तो नहीं हो रहा, ठीक है, आज जल्दी ख़त्म करने की कोशिश है, क्या थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि हम जो है आपके लिए कल एक अच्छा महामैराथन, जो महातांडव भी बोल सकते हो और महामैराथन भी बोल सकते हैं, जो कल होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कल का सेशन अच्छा लगे, तो लेट इट बी कि आप आज का सेशन हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वैसे डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा। पीपल हु राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज, जो लोग लिखते हैं और जो प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर साइंटिस्ट? नहीं, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कंप्यूटर की स्टडी, मतलब कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे उनकी सारी चीज़ों की स्टडी करना, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम्स जो लिखता है, जो टेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन, इस स्लाइड तक जो पिछली स्लाइड आपने की है, किस किस के क्वेश्चन सही हैं और यहाँ तक किस किस को मज़ा आ रहा है, ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। और प्लीज़ गाइस, इतना कर दीजिए कि इतना शेयर कर दीजिए, जितना काउंट है उसे डबल काउंट कीजिए, ताकि कल के सेशंस को प्लीज़ मेरी आपसे कह सकते हो दिल से विनती है कि उस जो महामैराथन्स कल आ रहे हैं उनको इतना शेयर कीजिए और उस वीडियोस को या उन शेयर, मतलब जो कल महामैराथन है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो दो दिन बचें तो अपना भी भला कीजिए और दूसरों का भी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे सेशंस और हमारी मेहनत रंग लाए। अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टेस्ट रिजल्ट्स एंड द प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, कि एक डिटेल, आपके पास एक प्रोग्राम साइकिल की डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके बाद उस प्रोग्राम को टेस्ट रिजल्ट्स पे लिखा जा रहा है, ठीक है, एंड प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब आपका प्रोग्राम के प्रिंट आउट टेस्ट रिजल्ट के साथ प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग साइकिल का विस्तृत लिखित रूप क्या होता है, मतलब आपके पास एक पूरा जो भी आपने प्रोग्राम बनाया उसका एक रिटन डिस्क्रिप्शन क्या कहलाएगा, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, आउटपुट या स्पेक्शीट्स। देखिए, पहली चीज रिपोर्टिंग होता है आपका, दैट इज टू प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट करना। आपका आउटपुट, आउटपुट जो होता है ये बेसिकली आपका क्या कहता है, जो आपकी आउटपुट जो आउटकम है। जो स्पेक्शीट्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? स्पेक्शीट्स बेसिकली ऐसी शीट्स होती हैं जो आपको कहते हैं प्रॉपरली काम करना सिखाते हैं, ठीक है। स्पेक्शीट्स जो होती हैं, ये कौन सी शीट्स होती हैं जो आपको प्रॉपरली काम करना सिखाते हैं? डॉक्यूमेंट्स जो आपकी प्रेफरेंसेस एंड कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो भी आपके स्पेक्शीट्स होती हैं, जो आपके
प्रेफरेंसेस और कैरेक्टर्स जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के हैं वो दिखाती है, तो ये नहीं है. आंसर इज डॉक्यूमेंटेशन. द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद स्पेक शीट्स. में एक चीज़ जरूर याद रखना है, जो आपके कैरेक्टर्स और जिस चीज़ की प्रेफरेंस है ना उसको प्रॉपरली लिखा जाएगा, फिल्टर आउट किया जाएगा. द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद ऑल इट्स पार्ट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर. मतलब एक सॉफ्टवेयर का मतलब आपके इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर और कैसे कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कैसे उसके पार्ट्स काम कर रहे हैं, वो क्या है. शेयरवेयर, शेयरवेयर होता है एक फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप इजीली शेयर कर सकते हो. एप्लीकेशन जो आपका परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क. पब्लिक डोमेन जो होता है ये फ्री होता है, फ्री टू यूजर्स. मतलब हर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए फ्री है, ओपन है. तो आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को बताता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को देखेगा, कंप्यूटर की जिसको बोल सकते हैं उसके इंटरनल ऑपरेशंस को, यानी सारे जितने भी अंदर वर्किंग्स चल रही हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल वे से आपके आगे एक्सेस करेगा. दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. और कौन कौन से हैं, यूनिक्स है, लिनक्स है, एप्पल का है, मैक ओएस है, एंड देन उसके बाद आपका विंडोज है. विच इज द व्हाट इज द करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कॉल्ड. किसी एरर को करेक्ट करना इज कॉल्ड एज कंपाइलिंग, डिबगिंग, ग्राइंडिंग या इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग मैंने आपको बताया ट्रांसलेट करना. ग्राइंडिंग करना मतलब क्या होता है, क्रश करना. ग्राइंडिंग करना मतलब उस फीचर्स को क्रश कर देना या रिपेयर कर देना, ठीक है. कंपाइलिंग नहीं, आंसर इज डीबगिंग. और एरर क्या कहलाता है, बग, बगिंग. एरर प्रोसेस क्या कहलाती है, बगिंग या बग, ठीक है. कोपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स और अ सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड एज, कि अगर आप किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉपी करते हो, ठीक है, उसकी मतलब उस ऑथर की परमिशन के बगैर, तो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर रॉबरी नहीं, आंसर इज सॉफ्टवेयर पायरेसी. लार्सनी एंड एम्बेजमेंट में क्या होता है, देखिए लार्सनी क्या होती है, जो आप थेफ्ट करते हो ना, चोरी की, ठीक है. जैसे किसी के घर में चोर घुस आया और चोरी कर रहा है और उन चोरी वाले सब्सटेंसेस को बेच रहा है, प्रॉपर्टी को बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड लार्सनी. एम्बेजलमेंट क्या होता है, दिस इज द फ्रॉड. इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड. जैसे कि मान लो किसी के पास आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी को रखा गया है, लेकिन बाई द फॉर अ टाइमिंग वो आपकी प्रॉपर्टी पे आपके बिना परमिशन या आपको बिना जाने ही अपने नाम कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट होता है फ्रॉड. फ्रॉड मतलब किसी चीज़ को ले लेना, किसी की चीज़ है उस चीज़ को पर्टिकुलरली ले लेना और उसके बाद उस पर अपना नाम डालना, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट. लार्सनी जो होती है दैट इज द अनलॉफुल, मतलब आप इसमें आप ये बोल सकते हो चोरी करना. चोरी कर लिया, गलती से कोई चोर घुसाया सारी प्रॉपर्टी को या सारी चीज़ों को स्टील कर लेगा, दैट इज कॉल्ड लार्सनी, ठीक है. तो ये नहीं है, आंसर इज आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी. पायरेसी होती है जैसे आपने देखा होगा नई मूवी रिलीज हुई, नई मूवी रिलीज होने के बाद उसकी लोग कॉपीज बेचना, पायरेटेड मूवीज बेचना शुरू कर देते हैं. ओरिजिनल नहीं, उसका डुप्लीकेट. कॉपी मीन्स डुप्लीकेसी, ठीक है. डेवलपमेंट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो और टू डू द टास्क इन द सेम वे एज मेनी टाइम्स एज नीडेड इज कॉल्ड एज, कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अनुसरण करने के अनुसरण के लिए और कार्य को जब आवश्यकता हो तो उतनी बार उसी तरीके से करने के निर्देशों को सेट विकसित करना क्या कहलाता है. तो अगर देखा जाए कि आपका कोई भी इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर की उसको फॉलो करना एंड फिर उसके बाद टास्क को सेम वे से जितने टाइम पर आपको नीडेड है तो उसको हम क्या कहलाएंगे, लिस्टिंग, सिक्वेंसिंग, प्रोग्रामिंग या डायरेक्टिंग. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम बार बार कर रहे हैं उसको हम क्या कहलाएंगे, प्रोग्रामिंग. क्या कहलाएंगे, प्रोग्रामिंग. कंपाइलिंग क्रिएट्स एन एल्गोरिदम, सब रूटीन, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. तो देखिए कंपाइलिंग क्या है, आपका सिंटेक एरर्स को रिमूव करता है और कंपाइलिंग जो है
वो क्या करती है आपके ट्रांसलेशन में, यानी कंप्लीट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में. तो आंसर इज आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. क्या है आपका? एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. एल्गोरिदम नहीं. एल्गोरिदम के लिए बेसिकली हम ALU यूज करते हैं. विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड करेक्टिंग प्रॉपरली, कनेक्टेड प्रॉपरली. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपके कंप्यूटर को चेक, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को चेक करता है, फिर उसको प्रॉपर कनेक्ट करता है और फिर उसको ऑपरेट करता है? एडिटिंग. एडिटिंग में आता है एडिट करना, मतलब चेंज करना. जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं उसको फिर से चेंज करके लिखना, जैसे कट कॉपी पेस्ट. सेव करना, कंट्रोल एस, मतलब उस डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर लिया था, तब भी सेव करोगे जब आप उसको खोलोगे. प्रोसेसिंग करना नहीं. आंसर इज बूट करना. कि विच प्रोसेस और बूटिंग क्या होती है? दैट इज टू स्टार्ट करना. जब आपने स्टार्ट कर दिया तभी जाकर बूटिंग होगी. और वार्म बूट एंड कोल्ड बूट मत भूलना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी बॉट, मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? ऑफ द शेल्फ, टेलर मेड, कस्टम डेवलप्ड. ऑफ द शेल्फ ये भी खरीदा जाता है, परचेस्ड किया जाता है. कस्टम स्पेशली होता है, बीस्पोक भी बोलते हैं, बीस्पोक सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली कस्टमाइज्ड बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस चलाती है. टेलर मेड ये भी है. तो ऑल ऑफ दीज कैन बी, ये सारे परचेज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है, पिक ऑड वन आउट. इसमें से ऑड वन आउट जो है पिक कीजिए. यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज 98 या एक्सेस. देखिए विंडोज 1998 में आया था, ठीक है, ये नहीं. यूनिक्स ये भी नहीं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. MS-DOS ये भी ऑपरेटिंग है. एक्सेस जो है ये आपका क्या है? MS एक्सेस, जो आपकी डेटा शीट्स बनाने के काम आता है. तो ये क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आता है कंप्यूटर कनेक्टेड विद लैंड. लैंड मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. तो कंप्यूटर जब आपके लैंड से कनेक्ट होता है तो क्या कहता है? वर्क फास्ट, जल्दी काम करता है. ऑनलाइन, गो ऑनलाइन, ऑनलाइन जाता है. कैन ईमेल, इससे हम ईमेल कर सकते हैं. तो देखिए काम भी ऑनलाइन भी और ईमेल भी. कैन शेयर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइसेस. जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये इंफॉर्मेशन को तो शेयर करता ही है, साथ ही साथ पेरिफेरल डिवाइसेस को भी करता है. आंसर इज आपका डी. आंसर इज डी. जल्दी बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स. देखिए यहाँ तक आज सेशन हो सकता है आपको इजी लगे या सेशन आपको बोर लगे, ये आप पे डिपेंड करेगा. बट आज का सेशन आपके लिए मैराथन है और कल आपके महा मैराथन से बार से बार बार बोल रही हूँ. और कल के सेशन को इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप शेयर करेंगे और वो मैक्सिमम अपने आप को पैक करके रखना. फ्राइडे एंड सैटरडे को 3 आवर्स की क्लास है जिसमें जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी और जितने क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी. मीन्स आपका 3 घंटे की क्लास में मैक्सिमम कंप्यूटर्स, मैक्सिमम GK को कवर करने की कोशिश करेंगे. जो रह जाएंगे वो सैटरडे. तो अगर आप मेरे साथ 3 घंटे खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं या सुन सकते हैं, मुझे झेल सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना. या फिर अगर आपको लगता है कि मैम हम आप 2 घंटे भी नहीं स्पेयर करेंगे, तब भी बता देना. मैं अपनी तरफ से पूरी पैक, मतलब जिसको बोल सकते हैं तैयारी करके 3 घंटे आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ. बट उसके लिए आपसे सिर्फ इतनी सी, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ सारा कुछ करवा दूँ. अगर कुछ छूट जाएगा तो वो हम इतना जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही जो नए कैंडिडेट्स और जो आने वाले पेपर्स देना चाहते हैं JOA के, उनमें उनको कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर मिलेगा कंप्यूटर्स का. तो वो भी सेशंस को देखें और अभी जितना टाइम है उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. और बाकी आपकी तैयारी देखिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ. अगर पेपर में आ गया तो अच्छी बात है, भगवान करे आ जाए. अगर नहीं आया तो वो भी भगवान ही जानता है या पेपर डालने वाला जानता है. तो कोशिश पूरी है और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर आए पेपर में. ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स. देखिए पिछले साल का पेपर जरूर देख कर जाना, उसके बेसिस पे भी अपनी तैयारी करके जाना. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स नीड सोर्स डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस. कल का सेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसमें टफेस्ट, क्योंकि महा मैराथन है तो टफेस्ट टू टफेस्ट लेवल लाने की कोशिश करूंगी. इसीलिए आज थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगी ताकि एम्पल ऑफ टाइम पे मैं टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चंस आपको करवा सकूं.
Which of the following techniques need source device and destination device in the line of sight for data transfer? इसमें से कौन सी टेक्निक है जो सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस को एक लाइन ऑफ साइट फॉर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? लैन, ब्लूटूथ, वैन या इंफ्रारेड? तो आंसर क्या आएगा आपका? इंफ्रारेड. देखिए, जो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, वैसे तो ये सारे यूज्ड होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो हैं टेक्निक्स जो नीड सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस, मान लीजिए वहाँ पे ऑल ऑफ दीज दिया हो तो क्या करोगे? तो ऑल ऑफ दीज, बट बेसिकली कौन सी टेक्निक है जिसमें सोर्स डिवाइस भी चाहिए हमें, सोर्स का भी चाहिए और आपका डेस्टिनेशन, तो वो क्या है? आपका रिमोट कंट्रोल, दैट इज़ वायरलेस, और वायरलेस में आपको सोर्स भी चाहिए होता है और डेस्टिनेशन भी चाहिए होती है. तो आंसर इज, और उसका कनेक्शन कौन करता है? इंफ्रा रेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सेम ग्रुप? इसमें से कौन सा सेम ग्रुप नहीं है? एप्पल, एप्पल टॉक, इंटरनेट, बस या रिंग? देखिए, इंटरनेट जो आपका क्या है, इंटरनेट जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. 15 अगस्त 1995 में इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था, VSNL, और इसको बनाया किसने है? विंसेंट सर्फ ने, VC ने. ठीक है, एप्पल टॉक, ये बेसिकली एप्पल टॉक जो है ये बेसिकली क्या है? एप्पल के लिए, एप्पल में डेवलप हुआ था ये, अब ये डिसकॉन्टिन्यूड है. तो आंसर क्या आएगा आपका? एप्पल टॉक. बस, बस क्या है? एक टोपोलॉजी है जिसमें ये आपकी बस है और ये आपकी मेन केबल और इसके साथ जो है आपकी ड्रॉप केबल्स लगी होती हैं. ठीक है, टोपोलॉजी दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. ठीक है, उसमें मेन केबल एंड ड्रॉप केबल, रिंग, एक डिवाइस के साथ दो डिवाइसेस का कनेक्ट होना, तो वो रिंग टोपोलॉजी है. और रिंग टोपोलॉजी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? टोकन बेस्ड. क्या देते हैं? टोकन बेस. तो ये सारे आपके कनेक्टेड हैं, बट एप्पल टॉक जो है इस फॉर्म में नहीं है. वैन इज नॉट यूजफुल फॉर, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क हम क्या यूज़ करते हैं? उन चीज़ों के लिए यूज करते हैं जो आपका क्या है? www, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, लोकल के लिए नहीं है, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया. तो वैन, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यस, इसके लिए भी कनेक्टेड है, फॉरेन बैंक्स के लिए भी है, एयरपोर्ट के लिए भी है, इन सब के लिए जो है हमारा वन लोकल ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, तो ये है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के लिए हमारा वैन नहीं कनेक्ट होता. मैन, वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है, ये छोटा एरिया है, तो ये आपका मैन भी हो सकता है, लेकिन आपका लैन भी हो सकता है, बट ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं हो सकता. Which of the following is the central computer which is connected with the collection of data and program for PC workstations and other computers? इसमें से कौन सा central computer है? या which of the following is the central computer which is concerned with the collection of data and programs for PC workstations and other? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो central computer है, जो आपके data को collect करेगा, प्रोग्राम्स को कलेक्ट करेगा फॉर पीसी और अदर कंप्यूटर्स? तो इसमें क्या आएगा? सुपर कंप्यूटर क्रे ने किया था, क्रे टेक्नोलॉजीज ने, और CDC वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. ठीक है, लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर नहीं. आंसर इज सर्वर. सिर्फ एक सर्वर है जो आपके डेटा को कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद अदर कंप्यूटर्स के साथ जुड़ेगा. अगर सर्वर नहीं होगा तो कोई चीज़ भी कनेक्ट नहीं हो सकती. वॉट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको हम कॉमनली शेयर कर सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जिसको कॉमनली सब शेयर कर सकते हैं? कीबोर्ड्स नहीं, स्पीकर्स नहीं, फ्लॉपी डिस्क नहीं. आंसर इज प्रिंटर्स. प्रिंटर्स जो हैं ये कॉमनली शेयर किए जा सकते हैं, तो इनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी होते हैं और आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी होते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो रिंक, आपके इंक रिबन के साथ टच हों, जैसे डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है, ये सारे आपके क्या हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो इंक और रिबन के साथ टच नहीं होते, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर्स. तो आंसर इज आपका क्या आएगा? प्रिंटर्स. चलिए, यहाँ तक क्लियर, नेक्स्ट चलें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी? इसमें से कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल कौन सा है जो कंटिन्यू चलता है? ठीक है,
फ्लॉपी डिस्क, ये एक बार चलेगी, भर गई तो स्टॉप हो जाएगी। पावर कॉर्ड नहीं, डेटा नहीं, जब तक आप डालोगे नहीं तो डेटा नहीं आएगा। आंसर इज इंटरनेट। इंटरनेट है, चाहे आप सुबह से लेकर अगली सुबह तक चलते रहो, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। और इंटरनेट को बनाने वाले थे विंसेंट सर। WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड एज। जो आपके प्रोग्राम्स, यानी आपके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जो यूजर्स को लोकेट करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंफॉर्मेशन इंजन्स नहीं, वेब ब्राउजर्स जो इंटरनेट की एक्सेस लेंगे। पहले ब्राउजर्स एक्सेस लेंगे, ठीक है, जब एक्सेस मिलगी तब जाकर हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें सर्च करनी पड़ती है, तो सर्च इंजन कौन सा है आपका? गूगल क्रोम। और जबकि वेब ब्राउजर्स कौन से हैं आपके? गूगल, जो इंटरनेट से एक्सेस लेगा। अनसॉलिसिटेड, ये जितनी बार भी मैंने पेपर अभी जितने भी सेक्शंस किए हैं उन सब सेक्शंस में आपने देखा होगा अनसॉलिसिटेड ईमेल जरूर आता है। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल इज़ द स्पैम, इज़ द अनवांटेड मेल्स, जो आपके ऐसे ही भेज दी जाती हैं उसको बोलते हैं हम स्पैम। और ईमेल इज़ रॉय टिमल्सन, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप और यूज़र नेट क्या होता है? यूज़र नेट जो है वो एक्सेस देता है ग्रुप्स को, और न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशंस को डील करते हैं। ये यूज़र नेट जो है ये एक्सेस किसको देते हैं? न्यूज़ ग्रुप्स को, ठीक है। यूज़र नेट क्या करेंगे? पहले एक्सेस लेंगे। जब यूज़र नेट एक्सेस लेगा तो वो एक्सेस क्या करेगा? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस इज न्यूज़ ग्रुप, और इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ ग्रुप्स है उसको फॉर्म कौन करता है? यूज़र नेट। तो ये नहीं, आंसर इज स्पैम। बैकबोन नहीं होता, बैकबोन दैट इज द बैक सपोर्ट। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया विच इज क्रिएटेड इट्स ऑन वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट इज, पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी जिसने अपनी वेबसाइट्स खुद क्रिएट की थी? आंसर इज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक शक्ति पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो आंसर क्या आएगा आपका? भारतीय जनता पार्टी। लोक जनशक्ति नहीं है, समाजवादी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है विद स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवेलेबल द टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट, पहली स्टेट या पहला राज्य भारत का कौन सा है जिसने पहली बार टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट पे डाली थी? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या बिहार? तो आंसर इज सिक्किम। बिहार नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं और आंध्र प्रदेश नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क, दो या उससे ज्यादा नेटवर्क्स को कौन कनेक्ट करता है? बस नहीं, ठीक है, रोडवे नहीं, पाथवे दैट, ये भी नहीं है। आंसर इज गेटवे। देखिए एक चीज याद रखना, ब्रिज जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ब्रिजेस हमेशा सेकेंड लेयर में होते हैं। गेटवेज जो हैं ये दो कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन कौन से? जिनका प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में होंगे उनके लिए हम गेटवेज लगाते हैं, जो सेम प्रोटोकॉल्स में होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? ब्रिजेस भी लगाते हैं। रूटर्स जो नेटवर्क लेयर्स में लगते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड एज यूजर आईडी, यूआरएल, टाइम स्टैम्प या कुछ भी नहीं। देखिए अगर देखा जाए आपका जो एड्रेस होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए इसमें यूजर्स भी होता है, आपका रिसोर्स होता है, देन उसके बाद होस्ट होता है, डोमेन होता है, देन आपका इसमें हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो डायरेक्टरी होती है छोटी जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। तो यहाँ पे यूज़र आईडी नहीं, यूआरएल दैट इज़ यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी, जो आपका यूनिवर्स लोकेटर है, ठीक है, यूआरएल, ये जो यूआरएल है ये क्या करता है, इसमें आपका आपने हैशटैग देखा होगा, हैशटैग लगता है, एक आपने देखा होगा इस तरह से ये लगा होता, ठीक है। यहाँ पे आप डब्ल्यू, जैसे मान लो www.text.com कुछ भी, कोई भी वेबसाइट है उसका नाम, तो ये जो है आपका यूआरएल कि जिस जगह पे आपने जाना है उसका नाम, तो ये नहीं आता। जैसे HTTP लग जाता है, फिर हैशटैग, फिर WW, जो भी आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको
को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, जिसमें होस्ट भी होता है, रिसोर्स भी होता है, डायरेक्टरी भी होती है और नेम भी होता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस विच सेंड्स डेटा बाय टेलीफोन, ऐसा डिवाइस जो डेटा भेजता है बाय टेलीफोन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन नहीं, माउस डगलट ने किया था, डगलस ने। मॉनिटर दैट इज द आउटपुट, आंसर इज मॉडम। ये किसने दिया था आपका, डेनिस हेज ने। ये किसने दिया था, डेनिस हेज ने। और ये क्या है आपका, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, जो एनालॉग से डिजिटल्स में कन्वर्ट करता है, तो आंसर इज मॉडम। इन्वेंटर ऑफ WWW दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब किसने किया था, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड रसल नहीं, फियोंग नहीं, आंसर इज टिम बर्नर्स ली, आंसर इज टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर्स साउंड्स एंड वीडियो इज कॉल्ड एज, ऐसा आउटपुट, ऐसी आउटपुट मीन्स आउटकम रिजल्ट, तो आउटपुट जो है ऐसा आउटपुट जिससे हमें क्या मिलती है, पिक्चर्स भी मिलती है, साउंड भी मिलेगी और आपको इमेजेस वीडियोस भी मिलेंगी, वो क्या है आपका, कॉम नहीं, हार्ड कॉपी नहीं। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो आपको प्रिंट आउट मिलता है दैट इज हार्ड कॉपी, जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो सॉफ्ट कॉपी। ग्राफिक्स नहीं, आंसर इज मल्टीमीडिया, जिसमें पिक्चर्स भी हैं, साउंड्स भी हैं, वीडियो भी हैं, वो क्या कहलाता है आपका, मल्टीमीडिया। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड एज, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल HTML, दिस इज द मार्कअप लैंग्वेज, स्टार्ट्स विद द टैग्स एंड एट्रीब्यूट, इसमें HTTP होता है एंड इट शोज आपका हाइपर लिंक्स, ये क्या शो करते हैं आपके, हाइपर लिंक्स, ठीक है। तो ये नहीं है, फ्लैश नहीं, रोम है ये, जावा जिसमें बाइट कोड चाहिए, और जेम्स कॉस्टलिंग, ठीक है। आंसर इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स, इसमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है, जबकि OSI मॉडल में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में आपकी 7 लेयर्स होती हैं। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल स्पूल ये प्रिंटर में होता है, स्निफर स्क्रिप्ट होता है, इस तरह साइबर अटैक जिससे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन को लेते हैं, स्पूफ भी एक साइबर अटैक है, आंसर इज स्पैम, आंसर क्या है आपका, स्पैम, ठीक है। अगर देखा जाए स्पूफिंग में आप ये कह सकते हो कि जैसे आपका साइबर थ्रेट या साइबर अटैक जिसमें इंफॉर्मेशन को लिया जाता है बाय एज ए स्पाईवेयर, ठीक है, आपके कंप्यूटर में बैठ के आपकी इंफॉर्मेशन को ले लेना किसी डिवाइस से, दैट इज स्पूफिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर, सर्वर जो है आपका, किसी प्रोग्राम को करने के लिए हमें सर्वर्स चाहिए, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें हमें सर्वर्स नहीं चाहिए, ईमेल प्रोसेसिंग इसमें भी सर्वर चाहिए, आपकी वेबसाइट्स में भी चाहिए, डेटाबेस शेयरिंग में भी चाहिए, यस आंसर इज वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में हमें सर्वर नहीं चाहिए, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग है क्या, MS Word, जिसके आपका फाइल एक्सटेंशन क्या है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डॉक्स भी हो सकता है, एंड सेकेंड वन वो क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स, इसमें से कौन सा फंक्शन है, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, तो आंसर इज वर्ड प्रोसेसिंग। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज, जिसमें हम टेक्स्ट, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे से घुमाया हुआ है, आपको हर वे से तैयार करना है, और मैं इतना जानती हूँ कि आपकी तैयारी होगी, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हम सिर्फ अपनी तरफ से तैयारी कराएंगे, बट इसमें सबसे ज़्यादा तैयारी आपकी होगी, मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ, मैं भी यही चाहूँगी कि जो करवाया है उसमें से क्वेश्चंस आ जाएं, बट आगे वही कहते हैं ना कि पता नहीं क्या आएगा, कल भी मैंने कहा था आपके पेपर से ज़्यादा डर हमें होता है कि भाई क्या आएगा, नहीं आया तो प्लीज़ कोशिश हम भी कर रहे हैं, बट आपकी कोशिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उम्मीद करती हूँ, दुआ करूँगी कि जो करवाया है उसमें से आए और आपका पेपर क्लियर हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज DBMS नहीं, जो टेक्स्ट बेस्ड, ये क्या लेता है, डेटा शीट्स, अ
और डेटा शीट्स किस पे बैठती है, फैक्ट्स, फैक्ट्स किस पे बैठते हैं, डेटा, और डेटा किस पे बैठता है आपका इंफॉर्मेशन पे, जो कि रियल वर्ड की है, एंटिटीज जो रियल वर्ड्स को बताती हैं, एट्रीब्यूट्स जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, एट्रीब्यूट्स कॉलम बनाता है, टेबल बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए डीबीएमएस नहीं है, स्प्रेडशीट्स एक्सेल, ठीक है, सूट्स नहीं, आंसर इज वर्ड, वर्ड प्रोसेसर जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स, कई बार ये भी क्वेश्चन आया था कि स्टोरी हम कहाँ पे लिखते हैं, तो स्टोरी जो है हम कहाँ पे लिखते हैं, वर्ड प्रोसेसर में, डॉक्यूमेंट पे। टेक्निक टू लिंक टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एज, दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरफेस, इंटरफेस होता है कॉम्पोनेंट्स, जो कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, उन कॉम्पोनेंट्स को जोड़ने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दो कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, नेट, तो आंसर ईप्रोम, ये जो है आपकी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, और ये हम कौन सी है आपकी, रोम का पार्ट है, जिसमें डेटा को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूवी, आंसर इज यूवी। ईमेल रॉय टिमल्सन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आंसर इज इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ही हम दो कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एम एस विंडोज, इसमें से एम एस विंडोज में कौन सा सॉफ्टवेयर, या देखिए डॉस जो थी वो आपकी कमांड लाइन थी, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस, ये तो आपका क्या आ गया, डॉस, ठीक है, कमांड लाइन पे। एम यू आई नहीं, एल यू आई नहीं, आंसर इज जो आज के विंडोज हैं वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, मतलब पहले कमांड लाइन पे होता था जो उनकी लैंग्वेज होती थी, हमें समझ नहीं आती है, लेकिन एम एस विंडोज ग्राफ्स में, कि आपने देखा होगा आइकन्स बने होते हैं, ग्राफिक्स बने होते हैं, जहाँ से हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ किससे कनेक्टेड है, तो आज की विंडोज जो हैं आपकी क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और आपको ये पता होना चाहिए HTML जो है, जैसे किया था हमने, उसमें कितनी हेडर्स चाहिए, 6 हेडर्स चाहिए, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, HTML 5। नेक्स्ट आता है फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन, फाइल्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कहाँ पे, टेबल्स पे नहीं, ठीक है, डेटाबेस पे नहीं, आंसर इज फाइल्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर्स पे, कहाँ पे करते हैं, फोल्डर्स पे, तो आंसर इज ग्राफ्स भी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, फोल्डर्स। देखिए पहली चीज, अगर डेटाबेस के हिसाब से हायरार्कियल ऑर्डर देखा जाए तो पहले क्या बनती हैं, रोज, ठीक है, रोज से कॉलम, कॉलम से फील्ड्स, फील्ड से रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स से आपकी क्या बनती है, फाइल, और फाइल से आपका क्या बनता है, डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ड्रॉप डाउन होता है, आपने देखा होगा कभी हम कोई चीज़ खोलते हैं तो एकदम से एक विंडो ड्रॉप आउट होती है, कौन सी है वो, फ्लाई आउट नहीं, कास्केडिंग शीट्स होती हैं, टाइल्स होती हैं ये, ठीक है, ये नहीं, पुल डाउन नहीं, आंसर इज पॉपअप खुलता है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई स्क्रीन खोलते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, दैट इज कॉल्ड पॉपअप विंडो, आंसर इज पॉपअप। मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विद एन इंटरफेस कॉल्ड एज, आज जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक इंटरफेस के साथ आ रहे हैं, इंटरफेस यानी कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कौन से कॉम्पोनेंट्स हम आज की विंडोज में या आज के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं, कैरेक्टर्स नहीं, बटन्स नहीं, आइकन्स नहीं, आंसर इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, एक ड्राइव नहीं, वेब ब्राउजर नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर जो है एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं, आंसर इज फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर, जो भी आपने देखा होगा विंडोज एक्सप्लोरर, जैसे ही आप विंडोज खोलते हो तो उसमें फाइल मैनेजर, जितनी भी फाइल्स हैं वो फोल्डर्स में खुलती हैं, तो आंसर इज फाइल मैनेजर। द कॉपी कमांड सेव्स टू, कॉपी कमांड कहाँ पे सेव होती है, डेस्कटॉप, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेस्कटॉप पे नहीं, प्रिंटर में नहीं, आंसर इज क्लिपबोर्ड, जो भी कॉपी कमांड है, कंट्रोल प्लस सी, ये कहाँ पे होगी, क्लिपबोर्ड में, एमएस वर्ड नहीं, वैसे तो देखा जाए जहाँ पे आपने कॉपी किया है वो क्लिपबोर्ड में होगा और फिर कहीं पे भी आप प्रिंट वो कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स ऑफ एनी डेटा बेस कॉल्ड एज, जितनी भी डेटा फाइल्स होती हैं, जितनी भी डेटा फाइल्स की जो लिस्ट होती है उसमें, उसको हम कहाँ सेव करते हैं डेटा बेस में? फाइल्स किससे बनता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो भी रिकॉर्ड्स हमने कलेक्ट किए हैं उसके बाद हमने जो फाइल्स बनाई हैं उनको हम क्या करेंगे? डायरी, डेस्क नहीं, डेटा लिस्ट नहीं, आंसर इज डिक्शनरी, डिक्शनरी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विच वर्ड? एक्सेल बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स, रोज एंड कॉलम्स, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल, एंड सेल एड्रेस बनाता है, ठीक है। और वर्कबुक्स क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड टाइटल या नन ऑफ दीज। तो जहाँ से हमें किसी भी फाइल को खोलना है, खोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोज, कंट्रोल प्लस ओ, और अगर हमने बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे। तो आंसर इज किसी भी चीज़ को खोलने के लिए हमें उसके टाइटल पे जाना पड़ेगा। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन? चार्ट्स को अगर हमने क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? बार चार्ट, पाई चार्ट, पाइवोट चार्ट या चार्ट विजार्ड। तो कोई भी चार्ट अगर हमने क्लियर करना है तो वो क्या है आपका? चार्ट विजार्ड। क्या है आपका? चार्ट विजार्ड। विच एलिमेंट्स ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर? अगर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज़ें कलरफुल दिखती हैं? ओनली टेक्स्ट, ओनली ग्राफिक्स, ऑल द एलिमेंट्स या नन ऑफ दिस। तो कौन सी कलरफुल हैं? दैट इज ऑल द एलिमेंट्स लुक्स कलरफुल, डिस्प्लेड इन कलर। पक्का बोर तो नहीं हुआ कि यहाँ पे स्टॉप करूँ कि चलें आगे? तो चलिए चलते हैं आगे और ख़त्म करते हैं सेशंस को फटाफट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स। देखिए एमएस ऑफिस के लिए आपको की डालें, आपको ओरिजिनल के लिए आपको प्रोटेक्टेड आता है ना वो आस्क क्वेश्चंस ओपन की, तो ये क्या है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? इनमें से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किसके लिए नहीं है? मार्जिन चेंज, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, लाइन स्पेसिंग या टेक्स्ट सर्चिंग। सर्चिंग जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, बाकी सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आएंगे। टू करेक्ट द स्पेलिंग्स इन एमएस वर्ड वी यूज, अगर हमें स्पेलिंग्स ठीक करने हैं तो हम क्या दबाते हैं? F7, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेल प्रो में जाना पड़ेगा? नहीं। आउटलुक एक्सप्रेस में जाना पड़ेगा? नहीं। आंसर इज स्पेल चेक। क्या आएगा आपका? स्पेल चेक। अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज, एक डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल एक्सटेंशन डिफॉल्ट कौन सी है? टेक्स्ट, वर्ड, फाइल या डॉक। तो बेसिकली क्या आता है? डॉक। ज़्यादातर आजकल क्या है? डॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ अगर जो नए हैं वो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और सेशंस दो दिन में और अच्छे चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आपका लाइक शेयर मेरे को रोज़ मोटिवेट करता है और सो दैट कि मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा और कर सकूं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, जब तक कहते हैं ना, जब तक एक डायलॉग है, जब तक है जहाँ तब तक हम जितना भी कर सकते हैं करेंगे। तो सेम थिंग कि जितना मेरे से बन पड़ता है उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, जब तक कहते हैं ना, जब तक हिम्मत है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या होता है कि जो है हिम्मत, अगर आपने आप साथ दोगे, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका आप अप्रिशिएट करोगे, आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग एक मोटिवेशन का काम करेगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएंगे और जैसे किया है उससे भी बढ़िया करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इन कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली ऑपोजिट टू द कीबोर्ड, इसमें से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है जो कीबोर्ड का ऑपोजिट है? प्रिंटर, माउस, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। देखिए अगर देखा जाए कि किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड का विपरीत है, कीबोर्ड का ऑपोजिट क्या हो सकता है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो डायरेक्शंस बताता है, ठीक है, गेम्स के लिए यूज होता है। ट्रैक बॉल ट्रैकिंग के लिए, माउस या प्रिंटर क्या करेगा? मतलब जो कीबोर्ड का काम करेगा, आपका जॉयस्टिक जो गेम्स के लिए है,
ये तो टाइप नहीं करता, ट्रैक बॉल ये भी नहीं करता, फंक्शनली ऑपोजिट टू कीबोर्ड, कीबोर्ड का ऑपोजिट क्या आएगा, माउस, प्रिंटर नहीं। देखिए कीबोर्ड जो है वो टाइप कर रहा है, टाइप के बाद जो है प्रिंटर जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है, जस्ट वेट, प्रिंटर जो है आपका, जस्ट वेट, गिव मी वन सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, कॉल आ रही है, एक सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो आपका अगर इन कंप्यूटर कौन सा ऑपोजिट डिवाइस होगा कीबोर्ड का, तो देखिए सॉरी, जॉयस्टिक जो गेम्स के लिए होता है, ट्रैक बॉल माउस का होता है, माउस जो आपको पॉइंटिंग बताता है मूव करना, तो कीबोर्ड टाइप करना होता है, तो प्रिंट क्या होता है, उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आंसर सॉरी प्रिंटर होगा, इट्स बाय मिस्टेक इट्स कॉल्ड प्रिंटर। नेक्स्ट आता है ए जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज फॉर, जॉयस्टिक किसके लिए यूज करते हैं, प्रिंट टेक्स्ट, कंप्यूटर गेमिंग, प्रिंट टेक्स्ट के लिए प्रिंटर, एंटर टेक्स्ट नहीं, ड्रॉ पिक्चर्स नहीं, आंसर इज कंप्यूटर गेमिंग, ठीक है, आंसर इज कंप्यूटर गेमिंग। विथ सी डी यू कैन रीड राइट राइट या आइदर रीड और राइट, कंप्यूटर सी डी के साथ आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड एंड राइट या आइदर रीड या राइट, जल्दी बताइए। तो अगर देखा जाए सी डी के साथ हम रीड कर सकते हैं, जो आपने कॉम्पैक्ट डिस्क डाली है उसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं। हाँ अगर आपकी री राइटेबल सी डी है, देखिए अगर तो आपकी सी डी आर डब्ल्यू है, दैट इज़ री राइटेबल, देन हम रीड एंड राइट दोनों करेंगे, तब आपकी क्या, देखिए सिंपल सी डी है तो सिर्फ रीड, और अगर देखा जाए आर डब्ल्यू है दैट इज़ री राइटेबल, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ, एक सेकेंड, इरेजर, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है, इसमें है आपका प्रिंटर, इसको टिक कर लीजिए, इसमें कंप्यूटर ग्रेमिंग, तो जो आपका सीडी है वो रीड भी करता है और राइट भी करता है, ठीक है। रैम इज एन एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, तो आंसर इज मेन मेमोरी, दैट इज वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप मे कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऑफ, जो आपका एक्सेस है उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, 255, 256, नो लिमिट या 1064, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एज, एक ऐसा कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर जो वन और मोर डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, बस, तो ये मेन केबल है, रिंग जो एक नेटवर्क दोनों साइड से कनेक्टेड है, रिंग, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, आंसर इज स्टार, जो कि एक हब है, हब के साथ आपके मैक्सिमम कनेक्टेड है, तो दैट इज योर स्टार नेटवर्क। रिंग के लिए हमें टोकन चाहिए होते हैं, टोकन बेस्ड, बस के लिए मेन केबल, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा। अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन देम, आपका एक मेल सिस्टम है जो मैसेजेस को डिफरेंट सिस्टम्स के साथ शेयर कर रहा है, तो वो क्या आएगा, ब्रिजेस, ये तो कनेक्शन का काम करता है, कनेक्ट का, और ये किस में होता है, सेकेंड लेयर यानी डेटा लेयर में, जो एरर्स को चेक करता है, ठीक है। यूजर एजेंट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, आंसर इज मेल गेटवे, आंसर इज मेल गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड्स फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसमें से कौन सा फायरवॉल, फायरवॉल सिस्टम क्या होता है, फायरवॉल सिस्टम वो सिस्टम है जो आपकी ब्रीचिंग का काम करता है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट जो जा रही है उसको प्रॉपरली चेक करेगा कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस चाहिए, इथरनेट नहीं, दिस इज द केबल, इसको हम आई आई ई 1394 भी बोल सकते हैं,
हब जो नोड्स को कनेक्ट करता है, गेटवे जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है, आंसर इज रूटर। आंसर क्या चाहिए आपको? रूटर, और जो नेटवर्क को करता है। तभी जाकर आप चेक करोगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आई है या नहीं आई है। द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज ज्वाइनर, नहीं कनेक्टर, नहीं आंसर इज नेटवर्कर। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओ एस आई मॉडल? ओ एस आई मॉडल इज 7 लेयर्स। ठीक है, तो डेटा इंक, देखिए फिजिकल लेयर में आपके रिपीटर्स यूज होते हैं, जो आपके ये सबसे छोटी लेयर है, फर्स्ट लेयर है नीचे से, और इसमें जो है डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस जो बिट्स की फॉर्म में होते हैं। एप्लीकेशन दैट इज द 7th लेयर और लास्ट लेयर, और ऊपर से पहली है, नीचे से 7th है, और 7th लेयर में एंड यूजर्स, एंड यूजर्स। द आंसर इज डेटा लिंक लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरर प्रोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस कैन बी रिटन इन? आईपी एड्रेस 32, 4 और 6 जो है 128 बिट्स पे होता है। तो बाइनरी फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट, हेक्साडेसिमल या डॉटेड डेसिमल नोटेशंस? आंसर इज डॉटेड डेसिमल नोटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन क्या? स्क्रिप्ट। आंसर इज फायरवॉल, गूगल क्रोम नहीं, AUP नहीं। ठीक है, वी कैन एंटर एंड एडिट टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग, हम कहाँ पे एंटर और एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं? दैट इज MS वर्ड पे। स्प्रेडशीट्स नहीं, स्प्रेडशीट्स इज योर एक्सेल, आपका डेस्कटॉप नहीं और टाइपराइटर नहीं। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे छोटी फॉर्म कंप्यूटर लैंग्वेज की क्या है? फोर्ट्रैन, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेटर, सबसे पहले यही आई थी 1957 में, जॉन बेकर्स, ठीक है, कबोल, ग्रे होपर। ये बिजनेस ओरिएंटेड है, ये फॉर्मूला ट्रांसलेटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बेसिक नहीं, कर्ट्स ने की थी। आंसर इज लोएस्ट फॉर्म कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, ये सारी हाई लेवल है। जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, देखिए हमने अभी किया था कि जॉयस्टिक जो है वो कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है, लेकिन कितने एंगल पे? 360, कैड एंड कैम सिस्टम, फ्लाइट सिमुलेटर्स, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रॉबोट्स। तो ये सारे क्या हैं आपके? ऑल ऑफ दीज, ये तीनों काम करता है। ठीक है, विच इज़ वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग्स? परसों आपका, संडे को आपका एग्जाम है, आप जो भी आंसर्स लिखते हो वो पेंसिल से लिखते हो या पेन से मार्किंग करते हो, तो जो एकेडमिक टेस्टिंग होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि हम मैग्नेटिक इंक्स के लिए आइडेंटिफाई और चेक्स करते हैं प्रोग्राम। पॉइंट ऑन सेल, POS का मतलब है पॉइंट ऑन सेल, ये नहीं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नहीं, आंसर इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर? इंकलेस प्रिंटर कौन सा होता है? इंकजेट नहीं, ये नहीं, आंसर इज लेजर प्रिंटर, और ये सारे क्या हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, विच इज द ग्राफिक यू आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन पेपर अटैच द फ्लैट सर्फेस? कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें गलती से मुझसे प्रिंट प्लॉटर की जगह कुछ और हो गया था, तो आंसर इज प्लॉटर। तो यहाँ पे भी है जिसपे हम क्या कि ग्राफिक्स को प्लॉट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड फ्लैट बेड प्लॉटर। मैग्नेटिक इंक नहीं आएगा, प्रिंटर ये नहीं आएगा, लेजर प्रिंटर भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If a computer or network shares, अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर करता है resources for other use, it is called as server, client, mainframe. कि अगर हम कोई भी नेटवर्क पे, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क पे है वो रिसोर्स को शेयर करता है तो उसको क्या कहते हैं हम? सर्वर। सर पहले तो आपका कंप्यूटर जो नेटवर्क को शेयर करेगा दैट इज सर्वर, जहाँ से सर्वर जब अटैच हो गया, जो इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर की जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आपका क्लाइंट, मेन फ्रेम नहीं, आपका क्लाइंट नहीं। मैन इज फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। CSM में आपका क्या है? कैरियर सिग्मा, कैरियर सेंस, मल्टीपल ऑटोमेटेड, ठीक है, कंट्रोल,
इज द प्रोटोकॉल ऑफ बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी? आंसर इज स्टार टोपोलॉजी. विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड्स फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस? द्वारा से ये आंसर है, दैट इज कॉल्ड रूटर. एनक्रिप्शन इन साइबर वर्ल्ड. देखिए एनक्रिप्शन क्या होती है, एनक्रिप्शन होती है सिफर टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट लिखना, ठीक है. और डीक्रिप्शन क्या होती है, सिफर टेक्स्ट को आपका प्लेन टेक्स्ट में लिखना इज कॉल्ड एज डीक्रिप्शन, और प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट पे लिखना इज कॉल्ड इनक्रिप्शन. जो होते हैं ना आपके, जिसमें बार कोड्स लगे होते हैं, जिसको हमें स्क्रैच करना पड़ता है, ठीक है, जो स्क्रैच करके लिखी जाती है, दैट इज इनक्रिप्शन. तो साइबर थेफ्ट, डिकोडिंग समवन पर्सनल डेटा या एल्गोरिदम ऑल्टरेशन ऑफ पासवर्ड इनटू स्क्रैबल्ड डेटा, ये किस में होती है आपकी, स्क्रैबल्ड डेटा में. हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? मार्टिन कूपर, लॉर्ड केल्विन या फिर सेमर क्रे? आंसर इज सेमर क्रे. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट द प्रोसीजर लैंग्वेज? ऑल आर दीज प्रोसीजर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, डेनिस रिची, जॉन बेकस, कबॉल, ग्रेस हॉपर. साइमुला जो है ये आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूजर्स यूनिक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन यूज करता है, इंटरनेट सर्वर्स, वर्क स्टेशन, मोबाइल डिवाइसेस, सभी यूज करते हैं. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. यहाँ तक थे मेरे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस. तो जल्दी बताइए कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना या नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपके आंसर उसी टाइम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. एंड प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. हु वॉज एसोसिएटेड विद रियाटवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास? किसने रियाटवाड़ी, अब है हिस्ट्री सेशन तो चलिए करते हैं इसको, इस सेशन को भी. विच हु वॉज एसोसिएटेड विद रियाटवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास? एलफिंस्टन, एलफिंस्टन ने जो है सबसे कहा जाता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिया था, तो ये नहीं है. मैलकम नहीं है. मेटकाफ को प्रेस लिबरेटर कहा जाता है. आंसर इज मुनरो, आंसर इज मुनरो. Who among the following is known as Martin Luther of India? Martin Luther किसे कहा जाता है? स्वामी श्रद्धानंद नहीं, राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, विवेकानंद, ब्लेयर मठ. 1893 में शिकागो पे इन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है. इनको नरेंद्र दत्त भी कहा जाता है, तो आंसर इज आपका दयानंद सरस्वती, आर एस माज. देन इसके बाद आर एस माज, सत्यार्थ प्रकाश इसने लिखी, ठीक है. मूल शंकर इनका नाम था. वेयर डिड तिभागा मूवमेंट अकर इन 1946? 1946 में तिभागा मूवमेंट, ये जो है एक मिलिट्री कैंपेन था जो कि कहा जाता है फॉर द बेनिफिट और द फॉर द लैंड रिफॉर्म्स. तो ये जो तिभागा मूवमेंट था ये आपका बंगाल में शुरू किया गया. हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह विद महात्मा गांधी? आपको पता है सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, 1920 में, दांडी मार्च, ठीक है. 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था, ठीक है. नोहारी भी बोलते हैं इसको. और इसके साथ महात्मा गांधी के साथ कौन थी जिन्होंने इस सॉल्ट कैंपेन पे पार्टिसिपेट किया था? मुथुलक्ष्मी, मुथुलक्ष्मी इज द कहते हैं इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है. इट्स अ मेडिकल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, मतलब अच्छे से मेडिकल प्रैक्टिशनर रही हैं ये. आपका मृदुला साराभाई, मृदुला साराभाई जो है विक्रम साराभाई जो कि एक साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी वाइफ थी. सरोज एनी बेसेंट जिसने आपकी होम रूल मूवमेंट 1917 में अडियर में खोली, तो आंसर इज आपका सरोजनी नायडू. आंसर क्या है, सरोजनी नायडू. इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1929 में कानपुर से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू? गायत्री मंत्र किससे डेडिकेटेड है? मारुत्स नहीं, सोमा, दैट इज इसको वैसे सोमा को मून भी कहा जाता है, ठीक है. सूर्य या सावित्री? सावित्री नहीं, आंसर इज सन डाइटी. गायत्री मंत्र जो है, गायत्री एक किसकी बेटी थी, ये सन की बेटी थी, तो सूर्य को डेडिकेटेड है, ठीक है. इन गुप्ता
पीरियड प्रोविंसेस वर कॉल्ड एज ग्रुप्ता पीरियड इज द क्लासिकल ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री. तो इसमें आपको पता है श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर एंड विक्रम गुप्त जो थे आपके विष्णु गुप्त उनको क्या कहा गया था आपका नेपोलियन. चंद्रगुप्त टू जिसने जो है मेहरौली इंस्क्रिप्शंस बनाई थी उज्जैन को कैपिटल बनाया था. कुमार गुप्त के टाइम पे नालंदा और स्कंद गुप्त के टाइम पे हूनर्स ने जब अटैक कर दिया था तब जाकर गुप्ता रूलर का या गुप्ता डायनेस्टी का पतन हुआ था. तो आंसर इज आपका क्या आएगा विश्वास आयुक्स या भुक्तीस. आंसर इज भुक्तीस. देखो जो भी चीज़ें थी उसको पहले प्रोविंसेस में प्रोविंसेस से फिर उसके बाद विश्वास विश्वास आयुक्त जो थे ये ऑफिशियल्स थे गोयात्री नहीं. ठीक है ये ज़्यादातर आपके वेदास में है. द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ देखिए राजगृह में फर्स्ट हुई 483 में अजात शत्रु के टाइम पे. अशोका में थर्ड हुई दैट इज पाटलिपुत्र. ठीक है मोगली पुट्टम जिसको बोलते हैं. कनिष्क कुंडवलम वासुदेव फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कालसोका 383 में. कालसोका में हुई थी आपकी सेकंड विशाली. ये कहाँ पे हुई थी आपकी विशाली में कालसोक. विनय पिटाक और सुता पिटाका इसमें मेंशन किया गया था तो कालसोक में हुई थी. चार बुद्धिस्ट वैसे तो कहते हैं छह हुई थी पर बेसिकली चार आज तक इंडियन हिस्ट्रीज में याद है. ऑन विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज जजिया एंड पोल टैक्स इम्पोज. जजिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पहले देखिए जजिया को इंट्रोड्यूस किया कुतुबद्दीन ऐबक ने. कुतुबद्दीन ऐबक के बाद अकबर ने इसको अबॉलिश्ड किया जे ए. ठीक है फिर इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया बाय औरंगजेब. फिर औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया औरंगजेब के बाद जहांगीर शाह ने इसको बंद कर दिया. तो जो ये था जजिया टैक्स ये किस पे लगा था नॉन मुस्लिम्स कल्टिवर्स आर्टिसन व्यापारी या आपके मर्चेंट्स. तो आंसर इज नॉन मुस्लिम्स. जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने भी जजिया टैक्स लगाया था पर उन्होंने किस पे लगाया था ब्राह्मण्स पे. हु लेड ब्रिटिश फोर्सेस टू विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी 1764 और ये किसके बीच हुई थी ये हुई थी आपकी कहते हैं तीन अलाइज थे नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध एंड आपके शाह आलम टू. ठीक है और जो ब्रिटिशर था वो कौन था वो था हेक्टर मुनरो. ठीक है हेक्टर मुनरो तो ये जो थे हेक्टर मुनरो इन्होंने की थी. तो अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 रॉबर्ट क्लाइव वॉरेन हस्टिंग जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल थे. ठीक है तो सर जेम्स पीनी. आंसर इज जो पहली हुई थी ना रॉब प्लासी दैट इज 1757 वो आपकी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी और सिराजुद्दौला. व्हेन वाज दियोबंद मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश स्टार्टेड. दियोबंद मूवमेंट जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1888 में याद करना तो रिपन हॉस्पिटल 1900 नहीं आंसर इज 1866. Which of the following sultan had greater number of slaves in his court? इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा कहते हैं slaves. देखिए दिल्ली सल्तनत जो है ये slave dynasty के slave dynasty में कौन था सबसे पहले कुतुबद्दीन ऐबक. तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं गुलाम किस में थे बलबन. बलबन जो था इसने दीवाने अर्ज शुरू किया था आपके बोझ प्रथा शुरू की थी चालीसा ख़त्म किया था. अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो इकता ख़त्म किया सैलरी पेड करना शुरू की मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स लगाए. तो ये नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने कहते हैं वाइजेस्ट फूल था ये इसने टोकन करेंसी क्वार्टल एक्सपीडिशंस इसने चलाए. मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो इसका कज़न था यानी फिरोज शाह तुगलक जब ये रूल पे बैठे तो इसके टाइम पे जो था सबसे ज़्यादा स्लेव्स थे. देखिए इनका जो सबसे बड़ा काम था ना वाटर कैनाल्स बनाई थी इन्होंने और वाटर टैक्स लगा दिए थे वाटर टैक्स. ठीक है इन्होंने दीवाने रियात शुरू किया था. दीवाने रियात मतलब जितनी भी फीमेल्स थी उनको सपोर्ट करने के लिए किया था. ठीक है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोला था जिसको बोलते हैं दीवाने कोही.
बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। देखिए इसका सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक चली थी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? खिजर खान, और लास्ट में जो थे वो थे अबुल शाह, ठीक है। नेक्स्ट मुगल या लोधी, लोधी डायनेस्टी जो थी ये लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोधी। इसके बाद 51 से लेकर आपकी 26 तक चली, 1526 तक लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम फाउंडर इज बहलाल लोधी, इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर और इसकी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म और मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर कब आया था? 1526 में। तो मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? बाबर, और लास्ट रूलर वॉज बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून भेज दिया था, ठीक है। और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1857 में दिल्ली से रिप्रेजेंट किया था, जिसके बाद इनको रंगून भेज दिया था। वेयर वॉज फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, पहली कॉटन मिल कहाँ पे बनाएगी? सूरत, मुंबई, आपकी अहमदाबाद या आपकी कोयम्बटूर। तो ये बनाई गई थी मुंबई में, मुंबई वीवर्स के नाम से। सूरत में इंग्लिश जो आपके ब्रिटिशर्स थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने बनाई थी 1612 में पहली फैक्ट्री, ठीक है। अहमदाबाद नहीं और कोयम्बटूर नहीं, किसके फरमान पे? जब जहांगीर को फरमान दिया गया था थॉमस रो के बेसिस पे। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इज मूल शंकर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, कब फाउंड की गई थी ये? आपकी वी डी सावरकर, दादा भाई नरोजी, तो ये थी 1866 में। तो आंसर इज दादा भाई नरोजी। वी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत, सी आर दास ने स्वराज पार्टी विद मोतीलाल नेहरू 1929, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो थी आपकी तत्व बोधनी सभा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं तत्व बोधनी सभा, ठीक है, 1839, ये कब हुई थी आपकी? 1839 में, 1839 आंसर इज आपका 1839 तत्व बोधनी सभा। एक इसका एक और चीज मैं बता दूं, जो आपकी इंडस्ट्री थी दैट इज आपकी कौन सी, ये खुली थी मुंबई में 1884 में, ठीक है, पहली कॉटन मिल। आप ये बोलोगे कि मैम वैसे तो 1612 में सूरत में बनी थी फैक्ट्री पहली, पर कॉटन मिल पूछी है तो ये मुंबई वीवर्स के नाम से है, तो मुंबई वीवर्स में जो खोली गई थी वो 1884 में खोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थे ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस, किससे मैं बार बार कह रही हूँ कि कहीं बार बोलने में दिक्कत हो सकती है, या फिर अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कहीं पर डाउट होगा कमेंट सेक्शन पर लिख देना, मैं आपका कमेंट या आपका डाउट अगले दिन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिड नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में 8 स्टेट से क्रॉस करती है, लेकिन कंट्री में कितनी स्टेट से क्रॉस करती है ये जरूर बताऊँगी, 16। जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी स्टेट से क्रॉस करती हैं? 16 कंट्रीज से, ठीक है। आपकी 16 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और 6 आपके क्या हैं? 6 वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू इंडिया, इजिप्ट, मैक्सिको। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास होती है, इजिप्ट से भी होती है, मैक्सिको से भी होती है। आंसर इज ईरान से पास नहीं होती है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्युमिनियम। अगर नॉन मेटल पूछा जाए तो ऑक्सीजन। द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज कोटोपैक्सी, आंसर इज कोटोपैक्सी। फ्यूजियामा नहीं, ये जापान में है, वेसुवियस इटली में, तो ये नहीं। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट नॉर्थ अफ्रीका, देखिए नॉर्थ अफ्रीका में आपकी सहारा है और साउथ अफ्रीका में आपकी कलहाड़ी है, ठीक है। इजिप्ट में आपकी अरेबियन डेजर्ट है, एडी। इंडिया में आपकी थार डेजर्ट है, तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। वी शेप वैलीज इज फॉर्म्ड इन, वी शेप्ड वैलीज जो हैं ये कहाँ फॉर्म्ड होती है? विंड, ग्लेशियर, रिवर या अंडरग्राउंड वाटर। तो वी शेप्ड वैलीज जो होती हैं ये रिवर्स में बनती हैं,
और यू शेप्ड जो होती हैं वो ग्लेशियर्स में बनती हैं, जो ग्लेशियर्स वैलीज बनाते हैं वो यू शेप्ड बनाते हैं, जो रिवर्स वैलीज बनाती हैं वो वी शेप बनाती हैं, तभी तो रिफ्ट वैलीज बनती है, अंडरग्राउंड वाटर नहीं, विंड नहीं। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर? ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर कौन बनाता है, मेजरिंग कौन करता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर आपका एटमोसफेरिक प्रेशर, एनीमोमीटर विंड, थर्मोमीटर टेम्परेचर। आंसर इज हाइग्रोमीटर। अटकामा डेजर्ट इज द अफ्रीका, अफ्रीका में सहारा एंड कलहारी रखिए, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका? तो नॉर्थ अमेरिका में तो नहीं है, मुहावे है यहाँ पे, मुहावे और चिन हुआन, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज साउथ अमेरिका। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ, सबसे सूखी डेजर्ट ये है आपकी अटकामा, और कहते हैं यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? कौन सी ऐसी नदी है जो आपकी इंडिया से नहीं निकलती है? सतलुज, देखिए अब देखिए, सतलुज भी जो है ये इंडियन से नहीं निकलती है, ये तिब्बत से आती है, राक्षसताल से होकर, तो ये भी हो सकती है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपकी गंगा, तो ये नहीं, ये गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। महानदी सिहवा से निकलती है, और इस पर क्या बना है आपका हीरा कुड डैम, जो कि आपका चांदीपुर उड़ीसा में है। आंसर इज ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, सतलुज भी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र जो है इसको सैंगपो बोलते हैं, ये मानसरोवर के पास चेमयुंग डंग पहले कहा जाता था, रिसर्च की गई है कि चेमयुंग डंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, लेकिन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, लेकिन कहा गया है, रिसर्च की गई है कि ये चेमयुंग डंग से नहीं, अंगसी ग्लेशियर है, अंगसी ग्लेशियर वहाँ से निकलती है, अंसगीर ग्लेशियर वहाँ से निकलती है, पहले चेमयुंग डंग था, लेकिन ये कहा जाता है चेमयुंग डंग के पास ही, मतलब उस ग्लेशियर से नहीं, उसके पास ही आपका एक मानसरोवर के पास अंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग होती है, दिहांग कहते हैं, और असम में लोहित, देखिए बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ठीक है, और गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा। जब पद्मा गंगा, ठीक है, और आपका बांग्लादेश में, सॉरी, पद्मा और ये ब्रह्मपुत्रा का जब मिलन होता है तो ये क्या बनाती है? मेघना, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना कब बनेगी? जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मर्जर होगा, तो ये कहाँ पे गिरती है? आपकी आपकी बे ऑफ बंगाल। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मर्जर कौन सा डेल्टा बनाता है? सुंदरबन डेल्टा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं जमुना और गंगा को कहते हैं आपकी पद्मा। जब गंगा और आपका क्या बोलते हैं आपका सॉरी गंगा और उसका जब मिलन होता है आपका ब्रह्मपुत्रा का, तो वो क्या बनाएगी? मेघना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। रानीगंज कोल्ड फील्ड्स, रानीगंज गोल्ड फील्ड, कोल्ड फील्ड सबसे पुरानी है, तो बिहार, बिहार में बेगूसराय है, जो कि आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। उड़ीसा टैलकर के लिए कोल माइंस हैं, टैलकर में है। एमपी में पना हिल्स हैं, जो कि आपकी डायमंड के लिए हैं। नेपा हिल्स फॉर न्यूज़पेपर। आंसर इज वेस्ट बंगाल। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड एट, तारापुर इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है, और ये आपका 1969 में बना है, तो ये कहाँ पे है? ये है आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में आप टैलकर माइंस कर लीजिए, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर है आपका नरोरा में, राजस्थान में रावत भाटा, तमिलनाडु में है कुंडकुलम। एक चीज़ और बता दूँ, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया का कौन सा है? कुंडकुलम, जो कि आपका क्या है? तमिलनाडु में, तो ये भी याद रखना। लार्जेस्ट ओल्डेस्ट तो आपसे पूछ लेते हैं तारापुर, लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है? कुंडकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ तक क्लियर। चलिए ये करते हैं ज्योग्राफी का सेशन। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? ये अभी रिसेंट 918 का पेपर था, उसमें आया हुआ है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ कैम्बे। ये तो है एक्सट्रीम टाइड्स के लिए फेमस, ये इंडिया में है, ठीक है। पर्शियन गल्फ नहीं, आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो फर्स्ट पर्शियन गल्फ
ऑफ आर और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये सबसे बड़ी है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? भूटान, थिम्पू, नेपाल, काठमांडू, श्रीलंका, इसको आप क्या बोलते हो? कोलंबो. आंसर इज वेटिकन सिटी. विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर कौन सी है? सुपीरियर लेक. सुपीरियर इज द फ्रेश वाटर लेक, ठीक है. बाइकल इज द डीपेस्ट लेक. मिशिगन ये सेकेंड थर्ड है, और तंजानिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक बोला जाता है, ठीक है. ईस्ट अफ्रीका में है ये. बेकाल साइबेरिया में है, रशिया. विच क्रॉप इज आपका हाइएस्ट टू द फ्रॉस्ट, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सी है फ्रॉस्ट से, यानी आपकी पाले से, ठीक है. राइस नहीं, मेज नहीं, आंसर इज कॉटन, बार्ले नहीं, ठीक है. नेक्स्ट, वैसे तो देखा जाए फ्रॉस्ट से तो ये आपकी मेज भी हो सकती है, क्योंकि मेज जो है यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है. एक सेकेंड, जो आपका ये है इसको ठीक कर लेते हैं. आपका विच क्रॉप फ्रॉस्ट, तो पाले में तो आपकी मक्की लगती नहीं है, तो आंसर मक्की आएगा. कॉटन जो है ये आपकी समर में लग सकती है, बार्ले और राइस, तो आंसर इज कॉटन. कॉटन मेज को सही कर लीजिए, कॉटन नहीं होगा, आई एम सो सॉरी. विच सॉइल हैज लो ह्यूमस कंटेंट, सबसे ज़्यादा ह्यूमस जो है, ह्यूमस जो कि ऑर्गेनिक मटीरियल की बनी होती है, एलुवियल नहीं, लोमी नहीं, डेजर्टिक या फिर ब्लैक सॉइल. देखिए ब्लैक सॉइल जो है इसमें आप कह सकते हो आपका आयरन एल्युमिनियम होता है, फॉस्फोरस नहीं होता. डेजर्ट, डेजर्ट में ह्यूमस नहीं होता है, क्योंकि वो आपका आंसर क्या आएगा? डेजर्टिक. जब अगर यहाँ डेजर्टिक नहीं होता, ब्लैक ही होता, तो फिर ब्लैक आना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट्स अ सिविक सेक्शन, चलिए इसको फटाफट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स, क्योंकि यहाँ पे 30 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के होते हैं. पिटिशंस नहीं, पब्लिक अकाउंट्स में 22 मेंबर्स होते हैं, जो कि लोकसभा प्लस राज्यसभा आपके 15 प्लस 7, अंडरटेकिंग्स में भी 15 प्लस 7 की रेशो होती है, पर सबसे बड़ी कौन सी है? एस्टिमेट्स कमेटी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया आर्टिकल 124, तो जो एपेक्स कोर्ट है ये सबसे ज़्यादा क्या प्ले करता है? दैट इज ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. हु कैन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके. और हाई कोर्ट की जज की उम्र कितनी होती है रिटायरमेंट की? 62. चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर. प्रेसिडेंट तो आपका प्राइम मिनिस्टर चुनता है. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, आंसर इज गवर्नर. स्टेट हेड कौन सा होता है? गवर्नर, ठीक है. ये रह गया एक, एक स्लाइड रह गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट, आपसे पूछा था कितनी पिटिशंस होती हैं? 5 रिट्स कितनी होती हैं? 5. उसमें से कौन सी है जो आपकी अदालत में कार्यवाही की लंबितता के दौरान जारी की जाती है? मैंडमेंस, ये कमांड करता है लोगों को कि वो प्रॉपरली काम करें. प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना कि वो चीज़ ना करे, खासकर इन्फीरियर कोर्ट्स को. को वरेंटो एट वॉट वेरेंट, ठीक है. तो आंसर इज सर्टोरी, दैट इज टू बी सर्टिफाइड. Which is not included in directive principles. ये कौन से articles होते हैं? 36 to 51, ठीक है. Part 4 कहाँ से लिया गया है? Irish से. तो answer is right to information. सूचना का अधिकार directive principles में नहीं होता है, लीकर भी. ये तीनों होते हैं, सिर्फ information नहीं होता. The President of India can be impeached by. President of India को कौन impeached करता है? लोकसभा नहीं, चीफ जस्टिस, संसद. संसद के दोनों सदन, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, ठीक है. आर्टिकल कौन सा है? 61, महाभियोग.
तो ये क्या होता है, इसमें 14 डेज का टाइम पीरियड देता है और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी को जो है प्रूव करना होता है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, पहली वुमेन संसार की जो आपकी क्या कहते हैं वुमेन बनी थी प्राइम, पहली वुमेन प्रधानमंत्री वर्ल्ड की कौन सी है, आपकी इंदिरा गांधी तो ये नहीं है, ये 67 के बाद बनी। मार्गरेट थैचर ये आपकी 1971 में बनी थी पीएम ऑफ यूके, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर है श्री माओ भंडारी के, जो कि 1969 में बनी थी, कहाँ की, सिलोन। सिलोन किसका नाम है, श्रीलंका का, तो जो कैपिटल है ना श्रीलंका की वो भंडार नाइक के भी, ये हमने कर ली थी स्लाइड। अब आता है साइंस का सेशन, आई होप कि स्क्रीन आपको विजिबल हो, ये अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। रेटिना इन द आईज एक्ट एज, जो रेटिना होता है वो आपकी इमेज बनाता है और इमेज को हमेशा कौन सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये क्या बनाता है, फिल्म इन द कैमरा। पेनक्रियास सिक्रीट हॉर्मोन्स विच हेल्प्स इन, पेनक्रियास कौन सा हॉर्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन, जो आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी वैसे सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में 98.4। फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक्स, टेस्ट करना नहीं, कैच करना नहीं, स्मेल डिटेक्ट करना नहीं, आंसर इज स्मेल ऑफ द फूड। वैसे देखा जाए जो इनकी ये स्मेल वाले जो होते हैं, इनके अंदर एक जेकॉब्सन ऑर्गन होता है जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपकी इनकी टंग के जॉज के ऊपर होता है जहां से वो स्मेल कर सकते हैं। अब आता है इंग्लिश सेक्शन, आपने इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ तक किस किस को सेशन अच्छा लगा, मुझे लगता है आज आप बोर हो रहे हो या आपको सेशन अच्छा नहीं लगा, तभी आप वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो। अगर लाइक एंड शेयर नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी और हमें भी ऐसा लगेगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर ऐसा रहा तो आप प्लीज़ कल के सेशंस पे जितना हो सकता है शेयर एंड लाइक करना, क्योंकि इट्स लास्ट डेज हैं और कल टफेस्ट टफेस्ट, आज जल्दी ख़त्म करने की कोशिश है मेरी, पर टाइम तो उतना ही हो गया है, बट कोशिश पूरी करूँगी कल टफेस्ट से टफेस्ट सेशन लाऊँ, पर कल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ताकि मैं आपको 3 घंटे खींच सकूँ या 3 घंटे में वीडियो डाल सकूँ। कल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, कल टिक ही होंगे और कल टेस्ट ही होगा, ठीक है। और असली मजा वैसे ये इंटरैक्टिव क्लासेस का तब आता है जब हम लाइव लें, तो कुछ ये नहीं कहूँगी कि भई आ गए हैं, बस हो सकता है जो नेक्स्ट सेशंस हों आपके वो लाइव ही हों, ठीक है। कमिश्नर ये आप पहुंचाओगे, ये आप शेयर करोगे, ठीक है, तो आपका शेयर और आपका सपोर्ट, ये 2 घंटे खड़े होना मैं 2 या 3 4 आपके लिए डिपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ शेयर एंड लाइक करना जितना कर सकते हो ताकि जो आने वाले सेशंस है मैं फटाफट लाइव ले सकूँ आपके साथ, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि 2 घंटे ऐसे अकेले बोलना और आप सामने हो तो इंटरेक्ट हो सकता है। तो मेरी आपसे उम्मीद है, कुछ दूरी भी नहीं है, कुछ बोलते हैं ना कुछ घंटों की दूरी है, तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले सेशंस एक अच्छे दमदार सेशंस को मैं लेकर आऊँ। कमिश्नर, आप कमिश्नर के स्पेलिंग बोलिए क्या होते हैं, ए। ओकेजन के स्पेलिंग सी। मैं सीधा आंसर्स लगाती हूँ, यूटिलाइज, सेंड इन, डैश इज वेटिंग, सेंड इन, हूएवर, हूमएवर, दैट विच, Whomever नहीं आएगा, whoever, जो पर्टिकुलर है whoever आएगा। You should dash the stew much longer, it is quite still tough, you should have cooked the stew, his fancy art rare may prove to his fancy for art may prove too expensive, antonym of word immature, immature होता है, that is professional। मीनिंग ऑफ idiom, टू मेक अ मील ऑफ, टू मेक अ मील ऑफ का मतलब टू कंज्यूम, टू enjoy, sumptuous food, टू कुक या टू कंज्यूम, तो आंसर इज सी। नाउ करंट अफेयर्स, लास्ट 3 slides, तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरफ्लोज फीचर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सोशल मीडिया जायंट, सुपरफ्लोज जो है एक ऐसा कहते हैं कि ये जो कंटेंट डेवलपर्स हैं उनके लिए डेवलप किया गया है, फर्स्ट टाइम किसने किया है, ट्विटर ने किया है।
With which country navy INS Tabar has conducted a military exercise in the Red Sea? INS Tabar यानी Indian Naval Submarine Tabar ने किसके साथ जो है रेड सी पे मिलिट्री एक्सरसाइज की है? आंसर इज सुडानी, यानी इसकी सुडान नेवी के साथ. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो उसके बेसिस पे किसी इंस्टीट्यूशन ने एक उड़ान प्रोसेस, ये उड़ान प्रोग्राम क्या है? इट्स ये कि भाई इस तरह से कि हर किसी को लैंग्वेज, मतलब जब भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाए तो दे कैन फ्रीली एक्सेस टू दैट यूनिवर्सिटी, मतलब लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन ना आए. इसीलिए ये किसने शुरू किया है? IIT बॉम्बे. विच यूनियन टेरिटरी और द स्टेट हैज़ लॉन्च माई मेग प्रोग्राम? तो माई मेग प्रोग्राम जो है ये किसने लॉन्च किया है? मेघालय ने. नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चंस. बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव इज द कल्चर इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में देखा जाए तो ये आज के दिन को डेडिकेट करता है, दैट इज 16 दिसंबर 2021 के लिए. इस दिन कहा जाता है इंडो पाक वॉर में 1971 में बांग्लादेश को फ्री कॉमरेशन मिली थी, तो जिसके बेसिस पे ये मनाया जाता है. तो ये जो है इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो इसलिए ये कल किसने किया है? इंडियन आर्मी ने. व्हाट इज़ आकाश प्राइम? ये आकाश प्राइम जो है DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये क्या है? आपका न्यू वर्शन ऑफ आकाश मिसाइल. तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया. अगर आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. उम्मीद करती हूँ कि सेशन में कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए. कोई भी गलती लगती है तो माफ़ी चाहूँगी. देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि कहीं गलती ना हो, पर फिर भी कई बार ऐसी गलती हो सकती है, बोलने में कोई गलती आ सकती है, तो माफ़ी चाहूँगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना. कोई भी ड्रॉबैक लगता है कि मैम ये कमी है, आप लिखिए, मैं उस चीज़ को अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूँगी. धीरे धीरे स्टेप्स पे चलने हैं, थोड़ा टाइम लगेगा. उम्मीद करती हूँ कि आपको वो चीज़ अच्छी लगे. तो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. कल के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पेपर जो है मेरे साथ जरूर शेयर करना. तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे फिट स्टे ब्लेस्ड. तो आपकी क्लासेस जो हैं हिमाचल जीके की, वो 7 से 8, कोशिश अभी 2 घंटे या 3 घंटे का सेशन है तो नहीं, पर हो सकता है सैटरडे या फिर मंडे से, लेट इट बी. तो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दीज सेशंस. थैंक यू सो मच.